आज हम शुरुआत करेंगे SRS के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब ये SRS क्या है, इसमें दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं, दोनों का रेलेवेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। SRS काफी अच्छा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल है, एंड शायद आप में से कुछ लोगों ने इस ऐसे एंगेजमेंट्स किए भी होंगे। यू मे नॉट बी जस्ट अवेयर कि ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल था, बट एंगेजमेंट सुनने के बाद आपको शायद समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेस। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर मुझे ऑडिट करने के लिए अपॉइंट नहीं किया है, अगर मुझे रिव्यू करने के लिए अपॉइंट नहीं किया। अब ऑडिट रिव्यू में क्या डिफरेंस है, जब आगे नेक्स्ट SREs पे जाएंगे आपको समझा देंगे डिटेल में, बट अज्यूम कर लीजिए रिव्यू इज अप टू सम एक्सटेंट ऑडिटिंग ही करना है, बट थोड़ा स्कोप कम रहता है कंपैरेटिवली। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम लिस्टेड कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू करते हैं तो हम इंक्वायरी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, थोड़ा टेस्ट ऑफ डिटेल लगाते हैं, पर उतना डिटेल नहीं लगाते हैं जितना हम एक स्टैट्यूटरी ऑडिट में लगाते हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रिव्यू में जो अगर टेक्निकल डिफरेंस अगर आप मुझे पूछेंगे, ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स योर इंक्वायरी, योर एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स एज वेल एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इन केस ऑफ रिव्यू वी डोंट हैव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, थियोरेटिकली वर्ड है इंक्वायरी एंड एनालिटिकल और अदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, बट टेस्ट ऑफ डिटेल उन्होंने रिव्यू के अंदर मेंशन नहीं किया है। तो एक तरीके से रिव्यू में ऑडिटिंग वाला पर्सपेक्टिव ही है, बट द ओनली थिंग इज वहां पर थोड़ा स्कोप क्या है, लिमिटेड है कंपैरेटिवली, दैट इज माय रिव्यू एंगेजमेंट। बट सर यहां पर ना ऑडिट है ना रिव्यू है, ना ही एक एंगेजमेंट दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब आपको कोई कंफर्ट या कोई कंक्लूजन एज सच। मतलब देखो अश्योरेंस ना ब्रॉडर वर्ड था, ऑडिट वॉज पार्ट ऑफ अश्योरेंस, बट ऑडिटिंग बिकेम अ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, इसलिए उन्होंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अलग से लिख दिया। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अभी भी वो एंगेजमेंट्स रह गए जहां पर आपको इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करके अश्योरेंस देना होता है, कंक्लूजन देना होता है। मतलब सर अश्योरेंस वॉज द ब्रॉडर वर्ड जिसके अंदर ऑडिटिंग एग्जिस्ट करता था, बाद में ऑडिटिंग को एक सेपरेट इंडस्ट्री बना दिया गया आइडियली। तो अश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू एग्जामिनेशन, दैट इज यू हैव टू एग्जामिन द डेटा, एग्जामिन द इंफॉर्मेशन एंड देन गिव योर ओपिनियन इनडायरेक्टली। बट यहां पर ऑब्वियसली एक स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ईयर के नंबर्स के बजाय प्रोस्पेक्टिव नंबर्स हो सकते हैं, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, मतलब दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट जहां पर अश्योरेंस देना होगा, बट वो ऑडिटिंग में कवर नहीं होता है, इसलिए वो SAEs में चले जाता है। कहां चले जाता है? SAEs। अब सुनिए, सबसे लास्ट में एक कैटेगरी बचता है, दैट इज कॉल्ड एज SRS, जहां पे ना तो ऑडिट है, ना रिव्यू है, ना अश्योरेंस है, फिर भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है एंड द सर्विस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यू हैव टू स्टिल प्रोवाइड अ सर्विस एंड इट इज स्टिल रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो कहां कवर होगा? SRS में कवर होगा। मतलब SRS इज योर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। कौन से एंगेजमेंट्स? नॉन अश्योरेंस। यहां पर आपका अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, ऑडिट नहीं किया जाएगा, रिव्यू नहीं किया जाएगा। राधर हम रिपोर्ट में क्लियरली बोलेंगे कि हमने इसमें ऑडिट नहीं किया है, रिव्यू नहीं किया है, ये एक अलग एंगेजमेंट है अदर देन ऑडिट रिव्यू एंड अश्योरेंस। वो नॉर्मल एंगेजमेंट्स कहलाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। लुक एट द नेम, स्टैंडर्ड्स है किसके ऊपर? रिलेटेड सर्विसेज। सर्विस रिलेटेड टू व्हाट सर? रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। यहां पर भी सर्विस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे, बट ये ऑडिट रिव्यू या अश्योरेंस नहीं होगा। तो सर क्या होगा यहां पे? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कंपनी का मैनेजमेंट हायर करता है और बोलता है हमारी कंपनी में सिर्फ इन्वेंटरी चेक करो या रिसीवेबल्स चेक करो, हमें एक सर्टिफिकेशन या रिपोर्ट बना करके देना है बैंकर्स को। सर्टिफिकेशन या रिपोर्ट देना है कंपनी को टू द बैंक, बराबर है कि नहीं है? आपको बैंक हायर नहीं कर रहा है, आपको कंपनी हायर कर रहा है। आप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में जो भी अग्री कर रहे हो कि मैं इन्वेंटरी को चेक करूंगा, ये प्रोसीजर लगाने वाला हूं, वॉट एवर वी अग्री वही प्रोसीजर लगाऊंगा और उसके ऊपर एक फैक्चुअल रिपोर्ट दे दूंगा कि मुझे जो फैक्ट समझ में आए उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, हमने जो अग्री किया था उसके हिसाब से मैंने काम किया है। अग्री करने के बाद मेरे को जो फैक्ट्स नजर आए उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। आपको ये रिपोर्ट जिस भी रेलेवेंट पर्पस के लिए यूज करना आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब यहां पर ना हम पहले से अग्री करके रखेंगे कि हमने क्या प्रोसीजर लगाना है, जो हम अग्री करेंगे विद द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी सिर्फ वही प्रोसीजर को लगाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज SRS का वन कैटेगरी ऑफ एंगेजमेंट, जहां पर हम अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाते हैं विच आर ऑलरेडी अग्रीड बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट और ऑडिटर एंड थर्ड पार्टी, एंड सिर्फ उस पर्पस के लिए ही ये काम करके आपको एक फैक्चुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा। दिस कैन बी वन एंगेजमेंट। अनदर एग्जांपल, ये आपने इंटरमीडिएट में भी सुना होगा,
कंपनी का इन्वेंट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए कंपनी के टेक दी हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। मतलब इस बार ना इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिक चीज है, फिजिकल वेरिफिकेशन ही करना है, पीरियड एंड पे करने का है। कंपनी को लगता है हमारा इन्वेंट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, अमाउंट इन्वॉल्व ह्यूज है, खुद से करने के बजाय हम एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। दिस विल ऑल्सो साउंड लाइक एन एक्सपर्ट बट दिस टाइम यू आर दी एक्सपर्ट। ये एंगेजमेंट तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, द वन हु इज गेटिंग अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फिजिकल वेरिफिकेशन। जनरली कंपनी अपने इंटरनल ऑडिटर के टीम मेंबर्स को बोलता है आप हमें हेल्प कीजिए, ये एक सेपरेट एंगेजमेंट ट्रीट कीजिएगा, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, हमें प्रोसीजर्स मालूम है, रादर अप टू सम एक्सटेंट हम हमारे एम्प्लॉइज भी आपको देंगे, आप बस सुपरवाइज कीजिए एंड फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर से परफॉर्म करवा दीजिए ताकि इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट अवेलेबल हो जाए। मतलब इन सिंपल टर्म्स यहां पर आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, रिव्यू नहीं कर रहे हो, यहां पर आप मैनेजमेंट को ही असिस्ट कर रहे हो कोई काम बराबर से परफॉर्म करने के अंदर। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में कवर होता है। अनदर एग्जांपल, इस बार आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपाइलेशन करना है। क्या करना है? कंपाइलेशन। आपके पास डेटा है, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा है, वो डेटा को साथ में लाकर के लॉजिकली इकट्ठा करना है। और लेट्स से एज पर ग्रुप रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपका पेरेंट एंटिटी यूएस गैप फॉलो करता होगा या लेट्स से आईएफआरएस फॉलो करता होगा, उसके हिसाब से इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ज करना है। अगर वो कन्वर्जन करने का है उसके लिए भी वो आपको हायर कर सकता है, जिसमें आपका अकाउंटिंग एक्सपर्टीज काम में आएगा। आप ऑडिट नहीं करने वाले हो, आप रिव्यू नहीं करने वाले हो, उसके एंगेजमेंट्स अलग होंगे, आप अपना अकाउंटिंग एक्सपर्टीज मैनेजमेंट को देने वाले हो, जिससे उनको हेल्प करोगे इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब You are going to provide a service related to financial information, जहां पर आप maybe उनको बराबर से accounting करने में help कर रहे हो, financial statement को बराबर से बनाने में help कर रहे हो, inventory का physical verification में help कर रहे हो, day to day basis पे, let's say parent company को इनको MIS report होता है, आपको रिपोर्ट बनाने के अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह में हेल्प करना होगा आइडियली। मतलब आप मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट द कंसल्टिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द कंसल्टिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन ऑल दीज एंगेजमेंट्स आर कवर्ड अंडर SRS। व्हाट इज SRS? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अगर आप मुझे पूछेंगे अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो एक स्टैंडर्ड है उसमें कुछ भी आ सकता है, वो मिसलीनियस बना है कि अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किधर भी फिट नहीं होता है, लास्ट ऑप्शन यही है। दिस इज लाइक द रेसिड्यूअल स्टैंडर्ड, इफ नथिंग इज लेफ्ट इट विल फिट अंडर SRS अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ये एक ओवरव्यू है कि स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है क्या। अब ऑब्वियसली दो अलग अलग स्टैंडर्ड है, डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे। वन इज SRS 4400 एंड वन इज 4410। दोनों स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट पे है, एक अग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे है। ये दोनों मिलके पूरा SRS बनता है। क्या आपको बेसिक मीनिंग ऑफ SRS समझ में आया क्या? थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं। विल पिक वन SRS दैट इज 4400 एंड धीरे धीरे डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा चैप्टर है, एकदम लॉजिकल है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना भी इजी है। मतलब यहां पर 800 सीरीज वाला चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है कि एकदम नीश चीज पे क्वेश्चन आएगा। इधर जब क्वेश्चन आएगा मोस्टली रिपोर्टिंग वाले पार्ट पे आएगा, बिकॉज वहां पर प्रॉपर एलिमेंट्स लिख करके दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब एलिमेंट्स लिख के दिए जाते हैं ICAI को वहां पे 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछना पसंद है। तो यह क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, प्लस जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्री फ्लोइंग है पूरा का पूरा। मतलब लैंग्वेज विल नॉट बी चैलेंजिंग एट ऑल, वही सेम एंगेजमेंट टर्म्स आएंगे, वही प्लानिंग आएगा, वही एग्जीक्यूशन एंड वैसा ही रिपोर्टिंग। आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा हाउ द फॉर्मेट विल लुक लाइक, अल्टीमेटली पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑन SRS। शुड वी गेट स्टार्टेड? चलो कम टू चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू में, देयर आर टू स्टैंडर्ड्स, वन इज SRS 4400 एंड वन इज 4410। द फर्स्ट वन इज ऑन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड द सेकेंड वन इज ऑन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है SRS का कि SRS क्या होता है, यहां से आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड शुरू होता है, दैट इज 4400 एंड आफ्टर दैट वी विल हैव 4410। दो ही स्टैंडर्ड्स है, चैप्टर 9 क्लोज हो जाएगा। एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल तरीके से बनाया हुआ चैप्टर है। यहां पर
ऑलमोस्ट जो बेयर स्टैंडर्ड है वही सीक्वेंस में कॉपी पेस्ट किया है, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल का इस्तेमाल कम किया है, रादर 4410 बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है, उतना डिटेल में आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, बट जितना रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना बराबर से लिखा हुआ है। कुछ एडिशनल चीजें आपको जहां रेलेवेंट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। कैन वी गेट स्टार्टेड, शुरुआत करें, लेट्स स्टार्ट विद एसआरएस का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू एसआरएस। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस आर ऑफन आस्क्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट विच डू नॉट इन्वॉल्व एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, मतलब जहां पर हमें ओपिनियन नहीं देना होता है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है जहां पर आपको अश्योरेंस नहीं देना होता है। मतलब देखिए, अश्योरेंस में भी ओपिनियन देते हैं, ऑडिट में भी ओपिनियन देते हैं, रिव्यू में भी ओपिनियन देते हैं, एक जगह लिमिटेड ओपिनियन आएगा, एक जगह रीजनेबल अश्योरेंस आएगा, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स है, बट हर जगह पर आप चेक करने के बाद में अपना ओपिनियन दे रहे हो। यहां पर यह बोल रहा है देर आर सम एंगेजमेंट्स जहां पर हमारा ओपिनियन नहीं देते हैं। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ यू नो स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसीजर्स टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, कौन से सर्विसेज, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, कुछ स्टैंडर्ड्स बना के दिए हैं, दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। मतलब कहना है इसे नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए दो स्टैंडर्ड बना के दिए ताकि आप लोग उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रोप्रिएट काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान, हर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ही हिसाब से काम करे बिकॉज गवर्निंग स्टैंडर्ड नहीं है। अब गवर्निंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाया जाएगा, गवर्निंग स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करेगा वो, और पीयर रिव्यू के अंदर नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स चेक करते हैं, बट वो अदर एंगेजमेंट्स क्या की, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता ही अल्टीमेटली। प्लस इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको क्यों हायर कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज है। अगर आप अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हो बट कोई स्टैंडर्ड ही नहीं जो बताएगा कि आप बराबर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो कहना इसे आपके ऊपर एक चेक नहीं बनेगा। इसीलिए इन्होंने नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए भी क्या बना दिए, दो स्टैंडर्ड्स बना दिए। पहला वाला स्टैंडर्ड है SRS 4400, the second one is SRS 4410, the first one is called as engagement to perform, can you see a word, agreed upon procedure, जो भी प्रोसीजर हम अग्री करेंगे regarding financial information वो सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले। दूसरे वाला है इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट, आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपाइल करके बराबर से प्रिपेयर करने में आपका हेल्प करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज 4410। दो एंगेजमेंट्स आने वाले हैं, शुरुआत ऑब्वियसली हम करेंगे 4400 के साथ में। कैन वी गेट स्टार्टेड, नोटबुक में जाइए, गिवन एक्सेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेस। Standards on related services. Write down point number one. Non-assurance engagements. Non-assurance engagements can be performed by Chartered accountants in practice can be performed by chartered accountants in practice can be performed by chartered accountants in practice, comma, there are two standards for such related services. There are two standards for such related services. Number A, SRS 4400. Number A, SRS 4400. Dash करके लिखिए. Engagements to perform. 4400. Engagements to perform agreed upon procedures. Engagements to perform. Agreed upon procedures regarding financial information. Regarding financial information. And number B, SRS 4410. SRS
4410 फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट। बेसिकली उन्होंने क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के स्कोप ऑफ सर्विस को और बढ़ा दिया। पहले सिर्फ ऑडिटिंग, फिर बोला रिव्यू बिकॉज लिस्टेड कंपनी से केस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अश्योरेंस का काम आपको ही करना होता है। अब इसके अलावा भी अगर कंसल्टिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करनी है मुझे, विच इज समवेयर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सर्विस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के परव्यू में आनी चाहिए। अब देखो एक बात बताओ, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड में बोल दिया सीए इन प्रैक्टिस कैन प्रोवाइड दिस, तो इनडायरेक्टली नो वन एल्स कैन डू दिस। मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो इससे फायदा ही हो गया, स्टैंडर्ड बनाया तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का स्कोप क्या हो गया, बड़ा हो गया कंपैरेटिवली। कुछ ऐसा कंसल्टिंग हो गया, नीच कंसल्टिंग, ये बोलता है इफ द कंसल्टिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेट दिस कंसल्टिंग बी रिजर्व्ड ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑब्वियसली कंसल्टिंग वैसे ओपन एंडेड होता है, अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है आपको आइडियली, बिकॉज टू बिकम अ कंसल्टेंट यू जस्ट नीड टू हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, कोई भी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। रादर कंसल्टिंग फर्म्स में अगर आप ज्वाइन करेंगे स्मॉल लेवल पे, वो आपसे क्वालिफिकेशन पूछ सकता है, बट कोई बोल नहीं सकता है कि आपको ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन एज सच कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स मोर लाइक एन एडवाइस। तो एडवाइजरी के लिए माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज मोर देन सफिशिएंट। अब देखो यहां पे कंसल्टिंग ऐसे ओपन एंडेड होते जाएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, तो ऐसा मान के चलिए उन्होंने एक पार्ट ऑफ कंसल्टिंग को रिजर्व कर लिया। कंसल्टिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इनडायरेक्टली रिजर्व्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली। स्टैंडर्ड बना के फायदा क्या हो जाता है, सामने वाला आपसे आर्ग्यू नहीं करता है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड मेकिंग अथॉरिटी ने बोल दिया ये स्टैंडर्ड है, यही इंसान इसका सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो दूसरे लोग उसके अंदर इंटरफेयर ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी आइडियली। इस तरीके से एसआरएस एक्चुअली वैसे देखेंगे तो सीए कम्युनिटी के लिए अच्छा चीज है कंपैरेटिवली, और आपको एक गाइडेंस भी देता है कि आपने किस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंट्रोल में रखा जाए और काम की क्वालिटी को भी एनहेंस किया जाए। तो यू नो इन अ गुड सेंस द स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड आइडियली। अभी के लिए एसआरएस is for non-assurance engagements. Sir, there are two standards, 4400, 4410. इतना समझ में आया क्या? शुरुआत करें, नीचे देखो assurance engagement क्या होता है, non-assurance क्या होता है, वो examples लिख के दिए हैं, last में पढ़ लेंगे। अभी शुरुआत directly करते हैं 4400 के साथ में। आ जाइए 9.4 SRS 4400 engagements to perform agreed upon procedures regarding financial information. अब यहां देखो क्या बोलता है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, बहुत जगह पे वर्ड ऑडिटर ही यूज करेगा, क्या वर्ड यूज करेगा, ऑडिटर, नोटिस करेंगे ना बहुत जगह पे द वर्ड ऑडिटर इज यूज्ड बहुत जगह पे, बट इसका मतलब ये नहीं है ये ऑडिट है, रिमेंबर स्टैंडर्ड लिखते हुए ऑडिटर लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है यहां पर आप ऑडिट करने के लिए हायर किए गए हैं। अगर ऑडिट होता वो एसएस में चले जाएगा, एसआरएस में नहीं आएगा। यहां पर इनका पॉइंट क्या है, आप ना ऑडिटर वाला ही काम करेंगे, बट इस बार आप ओपिनियन नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, ओपिनियन नहीं देंगे, आप ना जो थर्ड पार्टी या मैनेजमेंट से अग्री कर रखे हैं उतना ही प्रोसीजर लगाएंगे। प्रोसीजर लगाने के बाद जो फैक्ट्स आपको मिलते हैं वो फैक्ट्स को रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट इधर भी आएगा बट यहां पर क्या नहीं आएगा, ओपिनियन नहीं आएगा। इसीलिए इसको एक्चुअली स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको ना तो ऐसे 800 में कवर कर सकते हैं, ना 805 में कवर सकते हैं, ना 810 में कवर कर सकते हैं, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ही नहीं। यहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बोरो किया है, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट बनाया है, बट यहां पर आपको क्या बोला है, तुम जो अग्री करोगे उतना ही काम करोगे, एंड जो आपको चेक करते वक्त फैक्ट्स मिलते हैं उन फैक्ट्स को रिपोर्ट करोगे। अब ओपिनियन नहीं दोगे हमारे सबसे ठीक लग रहा है नॉल, नहीं, हमें ये चेक करने के बाद ऐसा मिला, दैट्स इट। मतलब प्रोसीजर क्या लगाया है वो लिख दो, प्रोसीजर का आउटकम क्या है वो बता दो, और प्रोसीजर भी वही लगाओ जो अग्री किया था, कुछ सरप्राइज एलिमेंट वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है। वॉट एवर इट हैज बीन अग्रीड यू परफॉर्म दैट प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड एज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। बात समझ में आया क्या? अब एक बात सुनो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस, मैं ये एसआरएस वाला काम करूं या ऑडिटिंग वाला काम करूं, मेरे लिए कोड ऑफ एथिक्स तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर जो मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो एज इट इज रिलेवेंट रहने वाले हैं, मेरे लिए काम करते वक्त क्वालिटी कंट्रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा एसक्यूसी
एसक्यूसीज फॉर ऑल एंगेजमेंट्स। तो क्वालिटी कंट्रोल जो था वो एसएईज के लिए भी था, एसआरईज के लिए भी था, एसआरएस के लिए भी था और एसएएस के लिए भी था। बताया था कि नहीं बताया था? एसक्यूसी इज अ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑल एंगेजमेंट्स। तो मैं एसआरएस करूंगा तब भी क्वालिटी मेरे लिए क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बात मानते कि नहीं मानते आप? अब जो भी मैं काम करूंगा उसका मैंने एंगेजमेंट टर्म्स अग्री करना चाहिए। मे बी एक सिंपल सा लेटर रहेगा एंगेजमेंट का, उसका भी एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूं। एक सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा बट एंगेजमेंट टर्म्स तो अग्री होने चाहिए, बराबर से प्लान करना चाहिए, बराबर से जो जो रेलिवेंट प्रोसीजर है लगा के जितना भी मेरे को रिकॉर्ड्स मिल सकता है चेक करना चाहिए और रिपोर्ट बना के देना चाहिए। अब रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या बताऊंगा, प्रोसीजर कैसे लगाना है बताएंगे, प्लानिंग में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बेसिक सा प्लान बनाना पड़ेगा आपको। अग्री कैसे करेंगे टर्म्स वो लिख के दिए, मतलब ऑडिटिंग के जो स्टेप्स है वो ही लिख के दिए। बस इस बार एंगेजमेंट क्या है, रिलेटेड सर्विस करना क्या है, जो हमने अग्री किया है वही प्रोसीजर लगाना है। इस तरीके से पूरा एसआरएस पढ़ना एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थिंक लाइक आप ऑडिट ही कर रहे हो, बस ओपिनियन नहीं देने का है। क्या नहीं देने का है? ओपिनियन नहीं देने का है। जो हम अग्री करेंगे उतने प्रोसीजर लगाना का है, उसके बाद में जो रिपोर्ट मेरे को मिलती है रिपोर्ट परफॉर्म करके मेरे को प्रोवाइड कर देने का है। बात समझा क्या? शुड वी गेट स्टार्टेड? चलो आ जाओ सर। एसआरएस 4400 पहला पॉइंट देखिए क्या बोलता है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एज पर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, उसमें सर हमारा प्रोसीजर क्या लगाएंगे, कैसा रिपोर्ट बना के दिया जाएगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट कंटेंट क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा 4400 के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, रीड नंबर ए। द ऑब्जेक्टिव इज टू कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर ऑडिटिंग ही चल रहा है, बस क्या नहीं है, ओपिनियन नहीं है। इसलिए पूरा सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर जो है इट विल साउंड लाइक आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दिया है, बस ऑडिट नहीं किया है क्योंकि आपने क्या नहीं दिया है, ओपिनियन नहीं दिया। तो टेक्निकल शब्दों में ऑडिट नहीं किया है। एंड सर देयर इज अ डिफरेंस, यहां पर भी इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो। तो हम बोलेंगे आपने अनबायस तरीके से काम करना चाहिए, बट आप अगर कंपनी के रिलेटिव भी हुए डायरेक्टर वगैरह के तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप अगर ऐसा काम करवाने के लिए अपने किसी रिलेटिव को अपॉइंट कर रहे हो तो सर उसका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होता है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के 141 एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 एप्लीकेबल नहीं है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का कोड ऑफ एथिक्स तो एप्लीकेबल है। वो तो आपको पूछेगा ना, आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपका इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों एक्सेप्ट किया, अलाउड है, मना नहीं करेगा आपको, पर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब थोड़ा बहुत तो बायसनेस आपका आएगा है ना अल्टीमेटली। मतलब यहां पर ना ऐसा मान के चलिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, आपको जो अग्री किया गया वो प्रोसीजर लगाना है और एक सिंपल सा रिपोर्ट बना के दे देने का है। जस्ट इमेजिन आई एम द इंटरनल ऑडिटर, मुझे कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला फिजिकल वेरिफिकेशन में हेल्प कर दे, मैं बोलूंगा ओके, तुम्हारा इन्वेंटरी वगैरह क्या डिटेल मुझे प्रोवाइड कर दो सारा का सारा, उसके बाद मैं मेरा एक्सपर्टीज यूज करके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने में हेल्प कर दूंगा और एक डिसेंट रिपोर्ट बना के दे दूंगा। दैट्स माय जॉब, इट्स मोर लाइक अ कंसल्टिंग वेयर आई विल वर्क अलोंग विद मैनेजमेंट, वेयर आई विल वर्क अलोंग विद मैनेजमेंट टू हेल्प देम। बस रिमेंबर आई नीड टू बी एज अनबायस्ड एज पॉसिबल, आई नीड टू बी एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आइए सर, आप जो भी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है वो ऑडिट नेचर का रहेगा, वो परफॉर्म कीजिए। एंड सर ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के लिए कर सकते हैं, जिससे भी आपने अग्री किया, और ऑब्वियसली रिपोर्ट बना के दे देंगे ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। यू विल गिव अ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स, इट्स नॉट एन ओपिनियन। मतलब जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हमें मिलेंगे सिर्फ उस पर रिपोर्ट आएगा। हम नहीं बोलेंगे हमारे हिसाब से सब अप्रोप्रिएट, हम बोल रहे हैं प्रोसीजर लगा के ये मिला, प्रोसीजर लगा के कुछ नहीं मिला, खत्म बात। आई विल नॉट गिव एन ओपिनियन, आई विल जस्ट से दिस वॉज द आउटकम ऑफ माई प्रोसीजर, ये प्रोसीजर लगाया ऐसा मिला। हम ये भी बोलेंगे अगर हमने और प्रोसीजर लगाया होता शायद कुछ और मिल सकता था, क्योंकि हमने ऑडिट किया ही नहीं है ना, हमने वही प्रोसीजर लगाया जो आपसे और हमने अग्री किए हुए थे। आई जस्ट परफॉर्म थ्री स्टेप्स, आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनी अदर स्टेप। इन ऑडिट यू थिंक ऑफ एडिशनल प्रोसीजर, यू थिंक ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पर अगर हमने वो अग्री नहीं किए तो वो लगाएंगे क्यों, और वो लगाएंगे ही नहीं तो नया आउटकम कैसे आएगा आइडियली। यहां पर मान के चलिए जो हमने अग्री किया उतना ही काम किया जाएगा।
देखो, एज द ऑडिटर सिंपली प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग्स, नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय हिम इन हिज रिपोर्ट. इंस्टेड यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट असेस फॉर देमसेल्व्स. वो खुद असेस करके, फाइंडिंग्स को देख करके अपने खुद के कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे. यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट गिव अ कंक्लूजन. चार्टर्ड अकाउंटेंट विल ओनली गिव हिज फाइंडिंग्स. उन्हें डिसाइड करके अपने हिसाब से खुद कंक्लूड करने दो इस कंपनी का इन्वेंटरी बढ़िया है कि नहीं है, इस कंपनी का रिसीवेबल्स बढ़िया है कि नहीं है. ये उनको डिसाइड करना है जो मेरा यूजर है, ना कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने क्या दिया है, रिपोर्ट दिया है. अंडर नोटबुक्स 4400 पहला हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1. ये इंट्रोडक्शन था कि दो स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं. अब पहला स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं SRS 4400, उसके अंदर लिखिए पॉइंट नंबर 1. ऑब्जेक्टिव ऑफ द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट इज टू कैरी आउट is to carry out procedures of audit nature to carry out procedures of audit nature which have been agreed to carry out procedures of audit nature which have been agreed with the entity or any appropriate third party, agreed with the entity or any appropriate third party, and to report on factual findings, and to report on factual findings. हमने जो अग्री किए थे वो ऑडिट प्रोसीजर का नेचर हम अप्लाई करेंगे. इसके बाद में जो आउटकम आएगा उसको हम फैक्चुअल फाइंडिंग्स के फॉर्मेट में एक रिपोर्ट बना के दे देंगे. इसका मतलब क्या है, हम ओपिनियन नहीं देंगे. इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 2. हियर ऑडिटर सिंपली प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, simply provides a report of factual findings and does not give any assurance, does not give any assurance, comma, instead in this case users are expected, users are expected to assess, users are expected to assess the report कहां पे दूं, नीचे कुछ तो द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड बोल रहा है, वो एक एरर आया, जल्दी आना जरा. चलो चलते हैं, इट्स वर्किंग फाइन नाउ. क्या लाइन लिखा आपने लास्ट में, यूजर आर एक्सपेक्टेड टू असेस द रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स, यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू असेस द रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स देमसेल्व्स एंड ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स,
एंड ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स। कुल मिला के हम हमारे फैक्ट्स रिपोर्ट कर देंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करने का काम उनका है। बेसिकली मैंने इधर अश्योरेंस नहीं देना है, कंक्लूजन नहीं देना है, ओपिनियन नहीं देना है, सिर्फ जो अग्री किया वो प्रोसीजर लगा के रिपोर्ट बना के देना है। लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डिसाइड अबाउट दिस। मेरे को उन्हें इन्फ्लुएंस या कन्विंस करना ही नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। मैंने एकदम अनबायस्ड होकर के प्रोसीजर लगा के जो आउटकम है उनके सामने प्रेजेंट कर देना है। लेट देम मेक द राइट डिसीजन। क्या आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ SRS 4400 समझ में आया है क्या? एक बार शांति से ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। हम जो अग्री करेंगे वही ऑडिट नेचर के प्रोसीजर लगाएंगे, फिर जो हमको आउटकम मिलेगा उसको एज अ फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट कर देंगे। हम कोई कंक्लूजन देना नहीं चाहते, हम कोई अश्योरेंस देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे यूजर्स इस रिपोर्ट को पढ़ें, फाइंडिंग्स को देखें और खुद से कंक्लूजन को ड्रॉ करें। इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SRS 4400 क्लियर टू यू? लॉजिकल है? आगे बढ़े, चलो से नीचे आ जाइए। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख के दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ऑब्वियसली सर, ऑडिट इज लाइक एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, डिटेल में काम करेंगे, ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में उतना ही प्रोसीजर लगाएंगे जितना अग्री किया है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं आएगा, कुछ एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाएगा। इंडिपेंडेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी ऑडिट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पढ़ के क्लोज करते हैं, एमसीक्यू के लिए काम में आ सकता है। देखो, A key difference between audit and agreed upon procedure relates to mark the word assurance. ऑडिट में हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, अश्योरेंस देते हैं टू द यूजर्स। सर, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में सिर्फ एक रिपोर्ट आता है अबाउट द फैक्चुअल फाइंडिंग्स, कोई अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, रादर दे फॉर्म देयर ओन कंक्लूजन। आपने जो पढ़ा है ऊपर एंड जो ऑडिट के बारे में आपको मालूम है उसके ऊपर एक बेसिक सा डिफरेंस दिया है पॉइंट नंबर वन में। डू यू अग्री विथ एवरी सेंटेंस इन पॉइंट नंबर वन? एक बार वापस से रीड कर लो, एकदम सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए तो लॉटरी है, मतलब मेरे हिसाब से, और कोई बड़ा बात नहीं आ सकता है, मतलब क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मॉड्यूल में लिखा है, मतलब वो पूछ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर वन एक बार। ओके, नीचे देखो क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट टू इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स पेबल मे स्टेट द फॉलोइंग। कि हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, सप्लायर के स्टेटमेंट ऑब्टेन कर रहे हैं, सर उसके बाद में कंफर्मेशंस एंड वी आर कंपेयरिंग द अमाउंट विद द ट्रायल बैलेंस। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। नॉर्मली व्हाट प्रोसीजर्स यू मे अप्लाई बिफोर ऑब्वियसली अप्लाइंग यू हैव टू अग्री विद दीज प्रोसीजर्स कि हम ऐसे प्रोसीजर लगाने वाले हैं, फिर आप वही प्रोसीजर लगाने वाले हो। फर्दर एक्चुअल फाइंडिंग्स लाइक वेरिएशन इन बैलेंसेस दैट इज इन TB और स्टेटमेंट्स आर गिवन, द एक्चुअल फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड विदाउट प्रोवाइडिंग एन अश्योरेंस। कुछ नहीं, प्रोसीजर जो अग्री किया है एज इट इज लगाएंगे, जो फाइंडिंग मिलेगा डिफरेंस है तो डिफरेंस है। ऑब्वियसली क्यों है थोड़ा लॉजिकली चेक करेंगे, बट ओवरऑल डिफरेंस है, कंक्लूजन दे देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे इसके बाद में पेएबल रिलायबल है कि नहीं है, यू नो रिसीवेबल्स इज रिलायबल और नॉट, दैट यू डिसाइड वेदर इट इज रिलायबल और नॉट। मैंने प्रोसीजर लगाया, ये आउटकम आया, डिसीजन तेरा है ये नंबर्स पे तुझे रिलाय करना है या नहीं करना है। इट्स मोर लाइक
कंपनी ने लोन लिया है बैंकिंग कंपनी से, आपके इन्वेंटरी वगैरह को एज अ कोलेटरल रखा होगा, इन्वेंटरी के नंबर्स के ऊपर हमने सर्टिफाई करके दे दिया, हमने ये प्रोसीजर लगाया है, ये आउटकम है। अब बैंकिंग कंपनी का डिसीजन है दे वांट टू कंटिन्यू विद द लेंडिंग फैसिलिटी और नॉट, ये उनका चॉइस रहेगा। मैंने जो अग्री किया था उतना प्रोसीजर लगा के आपको सर्टिफिकेट दे दिया। यू डिसाइड, यू मेक अ डिसीजन इवेंचुअली वॉट यू वॉन्ट टू यू नो इंटरप्रेट आउट ऑफ द आउटकम्स आइडिया। मेरे को सिर्फ एज इट इज रिपोर्ट करना है फाइंडिंग्स को। डिफरेंस समझ में आया क्या? नोटबुक में जाइए अंडर SRS 4400। पॉइंट नंबर वन आपका ऑब्जेक्टिव था, लिखिए पॉइंट नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन, पॉइंट नंबर थ्री है ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। आई थिंक रेफरेंस शुड बी सफिशियंट, लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डैश करके लिखो, रेफर पेज नंबर 9.4, बहुत ही सिंपल सा है कि भाई बेसिक सा डिफरेंस है, इधर आपका अश्योरेंस है, उधर कोई अश्योरेंस नहीं है। लॉजिकली यहां जो अग्री किए जाएंगे उतने प्रोसीजर लगाएंगे, उसके ऊपर जो एक्चुअल फैक्ट्स हमको पता चलेंगे वो रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, यूजर उसको अपना कंक्लूजन खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। डिफरेंस क्लियर है? चलो अब अश्योरेंस एंगेजमेंट कैसे लगाया जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सॉरी रिलेटेड सर्विसेज कैसे लगाया जाएगा उस पर डिस्कशन करेंगे। 9.5 वापस से ऑडिटिंग वाला पूरा मैकेनिज्म आने वाला है। लुक एट द हेडिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जैसे ऑडिट में कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही SRS में भी कोड ऑफ एथिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली SRS भी तो इंडायरेक्टली ICAI का मेंबर ही परफॉर्म कर रहा है ना। SA हो गया, SAE हो गया, SRE हो गया, SRS हो गया, कर कौन रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन पब्लिक प्रैक्टिस, वही काम करने वाला है। तो जो कोड ऑफ एथिक्स SAs में एप्लीकेबल है वही कोड ऑफ एथिक्स सब जगह पे रेलेवेंट रहने वाले हैं। देखो नंबर वन क्या बोलते हैं, ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI। सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल से चेक कर लीजिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, मतलब आपका बिहेवियर एंड काम करने का तरीका शुड बी इन कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेशन एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। इसमें कौन सा एप्लीकेबल स्टैंडर्ड रहेगा? SRS 4400। बराबर है कि नहीं है? पॉइंट नंबर टू देखो, इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। हाउएवर, ये बोलना कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे ये भी गलत होगा। मैं मानता हूं ये स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है जहां पे इंडिपेंडेंस के लिए लॉ बनाया गया है, जहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, कब कब ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, रोटेशन का टर्म्स दिया है, यहां वो चीज नहीं है। बट यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं होना भी कंप्लीटली गलत हो जाएगा, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 क्या बोलता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कीजिए आप, बट कंप्लीटली अनबायस्ड होकर के, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होकर आपने काम करना चाहिए। तो सर इंडिपेंडेंस का थोड़ा रेलेवेंस रहेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे इंडिपेंडेंट उतना रेलेवेंट रहेगा जितना एक कंपनीज एक्ट के दौरान जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं तब रेलेवेंट होता है। देखिए क्या बोलता है, हाउएवर द टर्म्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट मे रिक्वायर द ऑडिटर टू कंप्लाई विथ बेसिक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय कोड ऑफ एथिक्स। कि सर आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना चाहिए, सब लोग कंप्लीटली अनरिलेटेड होने चाहिए, एक बेसिक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स जो एज पर CA एक्ट होना चाहिए उतना आपने कंसिडर करना है, कोई अलग से लॉ का रिक्वायरमेंट तो एज सच नहीं है। देखो, वेयर द ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट, आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या इसका इंपैक्ट मेरे रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग पे आ सकता है? ऑब्वियसली आई नीड टू टेल माई यूजर्स कि भाई मेरे इंडिपेंडेंस के अंदर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है, इसीलिए बेटर है आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, लिखा नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस इतना इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आया है क्या? सेम वही है एज इट इज, नो चेंज एट ऑल। नोटबुक में जाइए नेक्स्ट पॉइंट। यस, क्या हो गया? देखो एक्चुअली ये तो मुझे पूछोगे वो नॉर्मली अगर मैं ओपिनियन देता हूं उसके ऊपर लिख करके तो मेरा 800 के अंदर 805 810 में चले जाता है, बिकॉज दैट इज स्टिल ऑडिटिंग। अब अगर मैं बोल रहा हूं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, एक थर्ड पार्टी को सिर्फ एक जनरल सर्टिफिकेशन चाहिए, ये तूने जो प्रोसीजर बोला था मैंने वो लगाया, तो ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आएगा वरना नहीं आएगा। पर अदर जनरली हम जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो ऑडिट ही होते हैं, वो 805 810 में चले जाते हैं। देयर इधर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट्स अ ऑडिट ऑन अ स्पेसिफिक एलिमेंट आइडियली। तो अगर ओपिनियन आ रहा है ना तो 805 में, एक टेक्निकल सोचो ना, 800 क्या था? स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, बराबर है। 805 क्या था?
ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट. स्पेसिफिक एलिमेंट कैन बी अकाउंट रिसीवेबल्स. इधर भी रिसीवेबल का बात करेगा, उधर भी रिसीवेबल का बात करेगा. डिफरेंस क्या है? उधर तू तेरे हिसाब से ऑडिट करके ओपिनियन दे रहा था, इधर तू हम अग्री कर रहे हैं वही प्रोसीजर लगा रहा है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज अग्रीड विथ यू. Are you allowing me a freedom to perform audit on my own? Then it is SA805. If you don't allow me that, you are agreeing with me कि इतना ही लगाने का है, ऐसा रिपोर्ट देने का है, हम डिसाइड करेंगे क्या करने का है, then it is SRS. तो ये डिपेंड करेगा हमने एंगेजमेंट का नेचर क्या बनाया. जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ में 4400 के बजाय 805 कवर किया जाता है, बिकॉज वो एज अ इंडिपेंडेंट काम करना चाहेगा, क्योंकि 144 ट्रिगर हो जाता है. अगर मेरे को उसने फ्रीडम दे दिया काम करने का, ये कंसल्टिंग में आ जाएगा. कंसल्टिंग में आ गया तो 144 पता है क्या बोलता है? एनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड बाई यू, यू आर नॉट अ इंडिपेंडेंट पर्सन. तो इनडायरेक्टली उसको अवॉइड करने के लिए हमसे वो ऑडिटिंग रिपोर्ट ही लेते हैं. ऐसा समझाना आपको 144. सी इफ आई प्रोवाइड दिस एंड इफ आई एम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट इज लाइक आई एम एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट ऑफ मैनेजमेंट. इफ आई एम एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, वो 144 में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज एक वर्ड है, उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा. ये मैं तो बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है आज भी, दैट इज स्टिल फाइन. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इफ यू वॉन्ट टू बी रियली क्लियर, यू विल नॉट प्रोवाइड अ सर्विस एज अ कंसल्टेंट, यू विल प्रोवाइड अ सर्विस एज अ ऑडिटर स्पेसिफिकली. अगर ओपिनियन नहीं दिया है तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर ही होता है. देख सिंपल है, अगर ऑडिट होता तो ओपिनियन आता ही आता. देयर इज अ हेडिंग ओपिनियन. डू यू गेट माय पॉइंट? दो रिपोर्ट्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका सिंपल है. इफ देयर इज अ ओपिनियन हेडिंग, दैट मींस इट इज ऑडिट. There is no question about it. तुमने प्रोसीजर कैसे भी डिसाइड किए होंगे, इफ आई एम गिविंग एन ओपिनियन वर्ड इन माई रिपोर्ट, इट इज अ ऑडिट. दैट मीन्स ये एसएस में चले जाएगा. अब वो 800 में आएगा, 805 में आएगा, 810 में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. इफ इट इज नॉट एन ओपिनियन, वेर आई क्लियरली से ये मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, तो वो SRS के अंदर आएगा. SRS में नॉर्मली इसलिए बोलते हैं, अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इधर इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं बोला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में बोला है, अगर मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो मैंने 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए. मतलब मैंने कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए जहां पे ऐसा माना जाएगा आई एम एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी. इफ आई एम एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट, दैट मींस आई एम वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, एंड इफ आई एम वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट आई कैन नॉट रिमेन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी आइडियली. तो अभी तुम क्या कर रहे हो? नॉर्मली रिपोर्ट देख के डिफरेंस सिंपल है. If it is opinion, it is audit. If it is not an opinion, then it is a agreed upon procedure. Normally, SRS के अंदर ही normally आना चाहिए. Other than if it is a review engagement, तो बात अलग हो गया. उसमें अलग assurance आता है. If it is a SAE का assurance, तो अलग हो गया. अगर किधर भी fall नहीं होता है, तो last option SRS का ही है. वो 4400 ही है. 4410 भी नहीं है, क्योंकि वो भी स्पेसिफिक है. 4400 इज द लास्ट स्टैंडर्ड. जब कुछ भी किधर ही फॉल नहीं हुआ, फिर भी मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस काम लिया है विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विल फॉल अंडर 4400 इन द एंड. बट रिमेंबर, क्लियरली बोल रहा है ये चीज कि तुमने ओपिनियन नहीं देना है. तुमने अगर ओपिनियन दे दिया वो 4400, तो तुम कंफ्यूज हो. तुम 4400 लगाना चाहते हो पर ओपिनियन भी देना चाहते हो. सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन 4400 एंड 805. तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, यू शुड बी क्लियर वेन अग्रींग विद द एंगेजमेंट टर्म्स. आइडियली रादर एंगेजमेंट टर्म्स से लिखना भी पड़ता है कि हम एंगेजमेंट करेंगे एज पर एस 805 या एज पर SRS 4400. तो उससे और क्लैरिटी होना चाहिए. एंड देन यू शुड स्टिक टू दैट स्टैंडर्ड, यू शुड नॉट मूव टू अदर स्टैंडर्ड एट ऑल. वो जो स्टैंडर्ड बोलता तुमने वही करना चाहिए नॉर्मली. बराबर है. See, they have used the word as certificate directly. They differentiate between certificate and report. अपने तुमको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 7 में. सो सर्टिफिकेट में इनडायरेक्टली मैं ओपिनियन नहीं देता हूं, समझ रहे मेरा बात? इट्स जस्ट दैट मैंने एग्जामिन किया, एग्जामिन करके ये आउटपुट आया, मैंने लिख के दे दिया. प्रॉब्लम एक ही है इस केस में, मैं यार कंप्लीटली अनबायस्ड हूं.
बट 4400 में अगर जा रहा हूं तो आई एम एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो, डू यू गेट माई पॉइंट? तो सर ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं हूं? दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज नॉट कैन आई गिव अ सर्टिफिकेट और नॉट, प्रॉब्लम इज आई कैन गिव अ सर्टिफिकेट, बट इफ आई गिव अ सर्टिफिकेट आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट और नॉट, दैट इज द मेन क्वेश्चन मेरे हिसाब से. जो आज तक जनरल प्रैक्टिस में नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स करते आए हैं वो एक्सेप्ट, जैसे एक जमाने में इनपुट क्रेडिट के लिए भी सर्टिफिकेट लेते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सर्विस टैक्स का जो जमाना था, इनपुट क्रेडिट सैंडविट एनविट के क्रेडिट के रिगार्डिंग भी सर्टिफिकेशन लिया जाता था. वो सर्टिफिकेट अलाउड था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रोवाइड करता था, वो सर्टिफिकेट में ओपिनियन होता ही नहीं था. हम जो जो उसने अग्री किया वो चेक करने के बाद नॉर्मल सर्टिफिकेट देते थे, 50,000 रुपए मिलता था 2009 के अंदर भी, समझ रहे हो. आई स्टिल रिमेंबर पीडब्ल्यूसी जितेंद्र मीरचंदानी यूज्ड टू साइन माय पार्टनर 51,000 रुपीज फॉर दैट सर्टिफिकेट, ओनली वन. 2009 का बात कर रहा हूं मैं हेडीली, बट तब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक 94 तो था ही ना अल्टीमेटली. वापस ये सिचुएशन, ये ग्रे एरिया तुमको इसे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इफ इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इट इज ओके, बट इफ इट्स समथिंग दैट इट क्लियरली लुक्स लाइक इट्स अ कंसल्टिंग देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. तुम अगर मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करके उनका ही एक कंसल्टेंट बन जाओ तो 144 में कोई तुमको चैलेंज जरूर कर सकता है, अनलेस ऑब्वियसली कोई तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करेगा तो चलते रहेगा, कोई जब कंप्लेन करेगा तो प्रॉब्लम आएगा, मतलब ये तो फैक्ट है. नहीं अभी वापस मैं वही बोल रहा हूं, तुम वो बोलते हैं मैंडेटरी वो ठीक है, मैनेजमेंट तुमसे अग्री कैसे करवाता है वो इंपॉर्टेंट है. इफ इट साउंड्स लाइक अ नॉर्मल सर्टिफिकेशन जहां पर तुम ओपिनियन नहीं दे रहे हो, बराबर है, मैं बोलूंगा ये एसआरएस का एंगेजमेंट ही है, बट मैं एज अ कंसल्टेंट काम नहीं कर रहा हूं. तुम्हारे लिए एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आई एम नॉलेजेबल पर्सन, आई कैन गिव यू सर्टिफिकेशन, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन, आई एम नॉट परफॉर्मिंग एनी कंसल्टिंग सर्विस फॉर यू, आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ माई नॉलेज. जैसे एग्जाम्पल बताता हूं आपको, मैंने तुमको बजाज फाइनेंस वाला एग्जाम्पल दिया. अगर एक बंदे का कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है या लेट्स से कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसके पास नॉलेज है, उसने मेरे नेटवर्क पे सर्टिफिकेट दे दिया, वो ओपिनियन नहीं दे रहा है इसके ऊपर, समझ रहे हो मेरा बात ना, वो मेरे हिसाब से काम कर रहा है. वो क्या बोल रहा है, मेरे नॉलेज के कैपेसिटी के अंदर मेरे को लगता है मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं, सो आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टिफिकेट ताकि तुम कंप्लायंस कर लो. इट इज नॉट इवन एन एंगेजमेंट, इट्स मोर लाइक एक सर्टिफिकेशन के चार्जेस है, एंड यहां पर मैं कुछ अलग से काम ही नहीं कर रहा हूं, ये जो मेरा नॉलेज था उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट लिख के दे रहा हूं, बट जब मैं काम करता हूं एज अग्रीड, डू यू गेट माय पॉइंट, तो मैं 4400 में आ जाता हूं पक्का, बिकॉज आपने उसके लिए एक एंगेजमेंट लेटर बनाया है, आपने बोला है हम इसके रिगार्डिंग ये प्रोसीजर लगाएंगे और ऐसा रिपोर्ट बना के देंगे. नाउ इट इज अ सेपरेट एंगेजमेंट, एंड इफ इट बिकम्स अ सेपरेट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट लेटर में लिखना तो पड़ेगा ना एंगेजमेंट कौन सा है, 4400 है कि 805 है, वो तो मेंशन करना पड़ेगा. इसीलिए जब तक ये एंगेजमेंट ना बने, इट इज प्योरली मेरे नॉलेज के लेवल पे मैंने एक सर्टिफिकेट दे दिया, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम नॉट परफॉर्मिंग सेपरेट प्रोसीजर्स एज सच, बट इफ आई end up performing separate procedures, it will become an engagement. And once it becomes an engagement, it is mandatory to mention which category of engagement this is. Because engagement aate hi engagement standard bhi aana chahiye. Ab kaun sa standard hai, wo obviously ab determine karenge unke saath mein milke. Kuch bhi nahi hai. Ek bhi nahi hai. Guidance note hai. And most importantly, certificate to kuch bhi ho sakta na. Certificate ka matlab kya hota hai? जो तेरे पास में नॉलेज है उस सबसे तू एक सर्टिफिकेशन लिख के दे, तेरे को ऐसा लगता है ना, तू ओपिनियन दे रहा है इसके अंदर ना, तू कोई काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. इट्स मोर लाइक ओके यू आर अनवेल, डू यू गेट माई पॉइंट? आइडियली इट्स मोर लाइक माई नॉलेज अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम जस्ट राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट सर्टिफिकेशन. अब मेरे उस साइन का वैल्यू है इसलिए मेरे को पैसा मिलता है, इसमें कोई काम नहीं है सच, बिकॉज मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं इसलिए मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज विच इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, सो उसका फायदा मेरे को सर्टिफिकेशन का फीस के फॉर्म में मिल रहा है सर. चले आगे. बराबर है ना, इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट होना अच्छा है, बट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जैसा जो काम होता है ये इनडायरेक्टली बोल रहा कंसल्टिंग का काम है, तो हम इंडिपेंडेंस पे इतना एम्फसाइज नहीं करते हैं. एसआरएस बोलता है यू शुड बी इंडिपेंडेंट, बट आई एम नॉट दैट मच फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंस
जितना फोकस मैं ऑडिट के दौरान होता हूं। ये बोलता है एसआरएस में इंडिपेंडेंस का रेलेवेंस कम है, बट फिर भी अपने बेसिक जो इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के, वो तो फॉलो करने ही चाहिए। इसलिए मना नहीं कर रहे हैं कि आपने यू शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, बट आई एम सेइंग इन दीज एंगेजमेंट्स इंडिपेंडेंस इज नॉट द प्राइम फोकस। यहां पर प्राइम फोकस है प्रोसीजर कैसे एग्री कर रहे हैं, कैसा रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। ऑडिट में इंडिपेंडेंस इज प्राइम फोकस बिकॉज तुम ओपिनियन देने वाले हो, प्लस देयर इज अ लॉ दैट सेज यू शुड बी अ क्वालिफाइड नॉट अ डिसक्वालिफाइड पर्सन। तो जहां पर लॉ आ जाएगा तो मेरे को इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यहां पर एक्सपेक्टेशन प्लस ये जो मेरी रिपोर्ट है ये यूज करने वाले लोग लिमिटेड है, जो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं रिपोर्ट देने वाला हूं, देर ऑलरेडी अवेयर अबाउट मी। तो यहां पे इंडिपेंडेंस प्रूव करने का जरूरत थोड़ा कम हो जाता है। ये बोल रहा है इट इज लेस रेलेवेंट, इट इज नॉट सेइंग यू शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट एट ऑल। ऑब्वियसली ऑडिटर से बेटर इंडिपेंडेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है फॉर एन एंगेजमेंट। बराबर है। अभी पहला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटिंग, बैंक अपॉइंट कर रहा है कि क्लाइंट अपॉइंट कर रहा है। आजकल क्लाइंट अपॉइंट करना बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? कारो के अंदर आ गया है। तो कारो में अगर मेरे को ऑलरेडी रिपोर्ट करना है एज अ कंपनी ऑडिटर, याद है इन्वेंटरी क्लॉज नंबर 2, मेरे को ऑलरेडी रिपोर्ट करना है तो सेपरेट अपॉइंटमेंट कंपनी विल नॉट डू। इफ आई एम गेटिंग अपॉइंटेड बाय द बैंकर एंड बैंकर इज अग्रीइंग विथ मी, देख मेरे बैंक के केस में यही इन्वेंटरी है, मेरे ये स्पेसिफिक 5 प्रोसीजर है, तू वो लगा, लगाने के बाद मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दे, रिपोर्ट दे दे, बराबर है। तो दिस इज एसआरएस 4400 फॉर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक वेर वी हैव अग्रीड अपॉन दैट दीज आर द प्रोसीजर्स आई विल अप्लाई। So I will have an engagement with the bank. इसीलिए ऑब्जेक्टिव में लिखा है I can agree with the company or with appropriate third party. देखो ना point number 1, आपके ऑब्जेक्टिव में आपने लिखा है हम वो प्रोसीजर लगाएंगे ऑडिट नेचर के which are agreed either with the entity or with any appropriate third party जो इस केस में relevant रहेगा। यहां बैंक मेरे को अपॉइंट कर सकता है, बिल्कुल लॉजिकल है। राधा सबसे कॉमन एग्जाम्पल 4400 का वही है कि बैंक मुझे हायर करता है उनके हिसाब से चेकिंग करके उनको रिपोर्ट देने का। कंक्लूजन कौन ड्रॉ करेगा? बैंक ड्रॉ करेगा। मुझे कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं करना, मुझे उनके हिसाब से काम करके रिपोर्ट बना के देने का है। परफेक्ट, बिल्कुल लॉजिकल एग्जांपल है, ऐसा होता है आज भी। बट मुझे अब क्लाइंट अपॉइंट नहीं करता है, पहले मेरे को क्लाइंट भी अपॉइंट करता था, पर अब कारो में रिक्वायरमेंट आ गया तो रेलेवेंस कम हो गया उसका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो कम टू पेज नंबर 9.5। ऑब्वियसली अच्छा हम पहले पॉइंट लिखने वाले थे ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे, हमने कितने पॉइंट लिखे अभी तक? व्हाट वाज द थर्ड लास्ट पॉइंट, क्या लिखा हमने? डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस दिया, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट, डैश करके लिखो। ऑल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स As per code of ethics, all fundamental principles as per code of ethics issued by ICAI are relevant when performing agreed upon procedures engagement, when performing agreed upon procedures engagement। जब ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाला एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो हमारे लिए उतने ही रेलेवेंट है जितना नॉर्मल ऑडिट में होते हैं। आई नीड टू कंप्लाई विथ ऑल 5 ऑफ देम। नीचे लिखो नोट, हाउएवर इंडिपेंडेंस is not a specific requirement for agreed upon procedures, not a specific requirement for agreed upon procedures, comma, but compliance with code of ethics is mandatory,
कंप्लायंस विथ कोड ऑफ एथिक्स इज मैंडेटरी. तो भाई एसआरएस 4400 में एंगेजमेंट क्या अलग है वो समझ में आ गया, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट समझ में आ गया, एंड ऑब्वियसली जनरल प्रिंसिपल्स एज इट इज अप्लाई करेंगे. अब कुछ नहीं, एंगेजमेंट टर्म्स को अग्री करना पड़ेगा. तो जैसे 210 में प्रॉपर एंगेजमेंट टर्म्स होते हैं, यहां पर भी वैसे प्रॉपर एंगेजमेंट टर्म्स बनाए जाएंगे. लेट्स रीड एंगेजमेंट टर्म्स में क्या क्या आएगा. पेज नंबर 9.5 देखो, द ऑडिटर शुड इंश्योर with the representative of the entity or with other parties, जहां पर भी वो लोग हैं, that sir उनको proper उनका factual finding का report मिलना चाहिए and clear understanding होना चाहिए हमने क्या procedure लगाने थे और इस engagement के क्या conditions थे. तो हम normally चाहते हैं ये matters included होने चाहिए. क्या क्या देखिए सर, सर what is the nature of engagement, including क्या procedure हम परफॉर्म करने वाले हैं और हमारे प्रोसीजर में क्या नहीं आने वाला है, ऑडिट नहीं आने वाला है, रिव्यू नहीं आने वाला है, मतलब हम क्या नहीं देने वाले हैं, अश्योरेंस नहीं देने वाले हैं. हमने इंगेजमेंट हमसे ये भी अग्री करना चाहिए व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ इंगेजमेंट. हमने अग्री करना चाहिए हम लेट्स से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन सा एरिया चेक करने वाले, रिसीवेबल पेएबल इन्वेंट्री और मे बी एंटायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हमारे क्या अग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाए जाएंगे. देखो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाना है, ये सब कुछ एंगेजमेंट टर्म्स में अग्री हो जाएगा. मतलब इसमें जो जो टर्म्स में लिखा है एग्जीक्यूशन वही होने वाला है एंड रिपोर्टिंग भी उसके हिसाब से आएगा. देयर इज नथिंग एडिशनल हियर. मतलब हमने एंगेजमेंट टर्म्स में नेचर ऑफ एंगेजमेंट किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर लगाने वाले हैं, हमारा काम ऑडिट रिव्यू अश्योरेंस देना नहीं है, हम सिर्फ एक रिपोर्ट बना के देंगे दैट विल बी अ फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट, ये सब कुछ एंगेजमेंट टर्म्स में लिखना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली भी बताना पड़ेगा ना कि भाई जो हम रिपोर्ट बना के देने वाले हैं सिर्फ आपके लिए रेलेवेंट है, किसी और के लिए रेलेवेंट ही नहीं होगा. देखो लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग, क्योंकि सर वो और किसी और के लिए रेलेवेंट रहेगा ही नहीं, पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट करता है किसी लीगल रिक्वायरमेंट के साथ में तो ऑब्वियसली ऑडिटर ने वैसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड कैन नेवर ओवरराइड द लॉ. इफ लॉ डज नॉट अलाउ मी टू एक्सेप्ट सच एन एंगेजमेंट, आई शुड नॉट एक्सेप्ट एनी सच एंगेजमेंट, आई कैन नॉट ओवरराइड लॉ, सिंपल बात है अल्टीमेटली. पर सर ऑब्वियसली ये रिपोर्ट किसके लिए रेलेवेंट है वो एक रिस्ट्रिक्शन बना के भी देना पड़ेगा. मतलब कहना इसे ये बिल्कुल बेसिक कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर बोल रहे हैं. क्या बोल रहा है, कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. इधर आओ, लेट मी शो यू सैंपल 4400. दिस इज रिपोर्ट अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स 1. देखो एग्जांपल ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर फॉर एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. देखो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव हु एंगेज द ऑडिटर, दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड appointing us to perform agreed upon procedure regarding which area, inventory, sales, profit, जो भी रहेगा. This letter is to confirm our understanding of the terms and objectives of our engagement and sir about the nature and limitation of service that we will provide. Obviously पहले हमने ड्राफ्ट आपको बना के दिया होगा, आपने अग्री किए होंगे, हमारे टर्म्स लिखे होंगे, ये फाइनल कंफर्मेशन है कि हम उसमें जो लिखा है उसको क्या करते हैं, अग्री करते हैं. आवर एंगेजमेंट विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस 4400. हमने अगर ये लिखा मतलब मेरे लिए 4400 बाइंडिंग हो गया. अब मैं सिर्फ 4400 की बात मानूंगा क्योंकि ये एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस किस कंडीशन पे किया है, 4400 पे किया है. अगर यही एंगेजमेंट 805 में अग्री किया होता तो मैं बोलता वी विल कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 805, तो मेरा ओपिनियन भी एज पर 805 आता था. यहां पर मैंने बोला एज पर एसआरएस है तो मेरा काम भी क्या होगा, एज पर एसआरएस होगा. देखिए पूरा नाम लिख के दिया है विच इज इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हम अकॉर्डिंगली हमारे रिपोर्ट में भी लिखेंगे, सर वी हैव अग्रीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड रिपोर्ट टू यू एज अ फैक्चुअल फाइंडिंग. जो भी प्रोसीजर लगाएंगे वो लगाएंगे. देखो द प्रोसीजर दैट विल परफॉर्म आर सोलली असिस्ट यू फॉर दिस पर्पसेस, आर रिपोर्ट इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस. क्या लिमिटेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब लिटरली आपकी जो लिस्ट है ना, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, स्टेट द पर्पस, क्या प्रोसीजर लगाने वाले हैं, रिपोर्ट देने वाले हैं, रिपोर्ट देंगे बट ये ऑडिट रिव्यू नहीं होने वाला है, इसका यूज किस पर्पस के लिए लिमिटेड है, ये चीजों को दिमाग में रख के एंगेजमेंट लेटर बनाया गया. मतलब एंगेजमेंट लेटर में बेर मिनिमम ये चीजें आनी चाहिए आइडियली. सर एंगेजमेंट लेटर होना क्यों चाहिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये प्रॉब्लम ही ना हो कि भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या था, आपने क्या एक्सपेक्ट किया, मैंने क्या काम किया, देयर शुड नॉट बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग. पॉइंट नंबर 3 देखो,
इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड ऑडिटर, देर शुड बी अ प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर, ताकि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या रहनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए. एंड ऑब्वियसली ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, याद है क्या, एक्सेप्टेंस एनालिसिस. वैसे मेरे को भी सोचना पड़ेगा ना, इस एंगेजमेंट के पहले भी, इसको एक्सेप्ट करने के बाद में दूसरे किसी एंगेजमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा. ये एक्सेप्टेंस करने के बाद में लेट्स से क्या मैं बराबर से काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. जनरली एंड से एनालिसिस जो ऑडिटर लगाता है, यहां पर भी एक पर्सन एंड से एनालिसिस लगाएगा बिफोर कंफर्मिंग मेरे को टर्म्स अग्री करने हैं या नहीं करने हैं. नोटबुक में जाइए, नेक्स्ट पॉइंट. When agreeing the terms of agreed upon procedures engagement, following matters should be considered. Number A, nature of engagement. Including the fact that it is not an audit or review. Therefore, no assurance will be provided. Number two, state the purpose of engagement. Number three, identify the area of financial information on which agreed upon procedures will be applied Next, nature, timing and extent of specific procedures to be applied. And last one, limitation on distribution. Report of factual findings. ये सब चीजें आएगी तो एक प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर अग्री हो जाएगा. दो मिनट पढ़ लीजिए, दीज आर इनडायरेक्टली द कंटेंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर जो आपके SRS 4400 के एंगेजमेंट लेटर में आना चाहिए. रीड द कंटेंट्स वंस, वी विल प्रोसीड. Yes. नॉर्मली ऐसा नहीं लिखते हैं लॉजिकली. व्हाट वी डू इज, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी तो बहुत केयरफुल होना अपने को पड़ता है आपको, उस केस तो बिल्कुल भी रिस्की है. नॉर्मल एंगेजमेंट्स में भी हम क्या बोलते हैं, ऑडिट करना है तुमको चाहिए, हम इंटरिम फाइनेंशियल्स को रिव्यू कर लें, ये भी अलग एंगेजमेंट होता है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको अग्री करना है कर सकते हैं. आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू करना है,
वो हम कर सकते हैं, ये आप इंगेजमेंट लेटर में एग्री करवाना है करवा लो। अब इसके अलावा कोई भी अदर सर्विसेज हुई, हमने सेपरेटली अग्री करना चाहिए, बट वो अग्री करते वक्त एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज माय इंडिपेंडेंस इन द इनिशियल इंगेजमेंट जहां पर मैं स्टैट्यूटरी ऑर्डर हूं। तो हम बाकी सर्विसेज के लिए एक कॉमन लेटर बना सकते हैं, बट इंगेजमेंट लेटर एज सच उसके अंदर नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरिम रिव्यू आ सकता है एंड एलआर का डिस्कशन आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है नॉर्मली। हाँ वो बना सकते, 5 years नहीं होता, वो रेस्पेक्टिव ईयर के लिए होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशंस विल चेंज, इट डजंट हैव टू बी एज इट इज बाय ऑलवेज। तो वो एक सेपरेट लेटर बन सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पर वो सेपरेट इंगेजमेंट लेटर ही बन जाएगा। देखो इंगेजमेंट लेटर में क्या बोलते हैं ना, एनी रिटन अग्रीमेंट, इधर भी आगे बोलेगा कोई भी रिटन अग्रीमेंट हो सकता है। तो एक इंगेजमेंट का फॉर्मेट अगर आप देखोगे ना, इतना छोटा सा फॉर्मेट है, इट्स जस्ट वन पेजर, दैट्स इट, सो इट्स लाइक अ सिंगल लेटर ओनली आइडियली। तो अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, इट्स बेटर टू हैव अ स्पेसिफिक लेटर। इफ इट्स अ सर्टिफिकेशन देन देयर इज नो स्टैंडर्ड, तो हम क्या बोलेंगे, जनरली वी मे नीड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम यू। तो हमको जनरली आपसे कोई अलग एंगेजमेंट नहीं है, इट्स मोर लाइक फीस अलग से देना है इसलिए अलग से लिखा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अगर तुमने कोई अलग प्रोसीजर लगाना है तो हर एंगेजमेंट का अलग लेटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 805 अलग है, उसका अलग लेटर बनेगा, 4400 अलग से, उसका अलग एक एंगेजमेंट लेटर बनेगा, क्योंकि हर स्टैंडर्ड का अपना एंगेजमेंट लेटर का रिक्वायरमेंट है, यू कैनॉट मिक्स देम। वो कब मिक्स हो सकता है, ऑडिट प्लस रिव्यू, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में कॉमन होता है आइडियली, समझ रहे हो मेरे बात, जहां पर नॉर्मल प्रैक्टिस है वो मिक्सिंग अलाउड है, जहां नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है वहां पर हर एंगेजमेंट के लिए सेपरेट लेटर बेटर होता है। You cannot mix both, because if you mix both, the responsibility of management and responsibility of auditor is different in every engagement. वो confusing हो जाएगा बहुत ज्यादा, इससे clarity नहीं आएगा। लोग कर सकते हैं, ये उनका choice है, कहीं पर ऐसा नहीं बोला करना चाहिए, rather मैं उल्टा बोलूंगा, हर जगह पर अगर standard अलग है तो engagement letter भी अलग होना चाहिए, unless it is audit plus review। वो भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम वो SRE पढ़ाऊंगा ना, SRE में लिखा है अगर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है तो ये SRE एप्लीकेबल है, तो वो कॉमन है, इसीलिए वो SRE और SA साथ में आता है, 210 एंड 2410 आगे आएगा, उस केस में अलाउड रहता है, अदरवाइज लॉजिकल नहीं है। प्रोप्राइटर की मल्टीपल बिजनेसेस है, बराबर है, प्रोप्राइटर के केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अलग अलग बिजनेसेस, मतलब अलग अलग नाम पे हैं, आर दे पार्टनरशिप्स नॉट अलग अलग, ऐसा तो सब बोल रहे हैं, सिर्फ सारे के सारे प्रोप्राइटरशिप अलग अलग। हाँ हाँ नहीं, रिपोर्ट रहेगा नहीं वहां पे, वो तो कॉमन एक ही रहेगा रे, वो भी एक कॉमन ही बनेगा ना, क्यों अलग अलग बनाएगा, मैं एक ही बनाएगा, हाँ एक ही बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इंडिविजुअल इंसान है ये। अगर ये मल्टीपल बिजनेसेस ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटीज LLP होती, पार्टनरशिप, तो मेरे बात अलग हो जाता, तो हर पार्टनरशिप का मेरे को सेपरेट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, वो अलग हो जाता है, यहाँ इंडिविजुअल केस में फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉसिबल कब है, जब एक ग्रुप ऑफ फैमिली है, लेट्स से फैमिली ग्रुप, जहां पे मल्टीपल बिजनेसेस आपके पास में, और सारे बिजनेसेस कुछ HUF के अंदर आते हैं, कुछ सेपरेट LLPs बनाए हुए हैं आपने, बिकॉज वहां पर आपके एक्सटर्नल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, वहां पे हर जगह पे सेपरेट एंगेजमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ऑल्दो द फर्म कैन बी सेम, फॉर्म एक ही रहेगा बट एंगेजमेंट्स अलग अलग, ऑन पेपर अग्री कर लेंगे, एक्चुअली में प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर बनाते भी नहीं है स्मॉलर एंटिटीज के अंदर, सिर्फ ईमेल के ऊपर या एक नॉर्मल लेटर बना के साइन बाद में करवा लेते हैं, नथिंग एल्स, क्योंकि डेट हाथ से डालना होता है ना, जब हमको लगता है हम भूल गए ये चीज तो अग्री कर लेते हैं, बट उस केस में जरूर पॉसिबल है कि हम ऐसा बोल सकते हैं, इस बिजनेस के रिगार्डिंग ये सब एक साथ में हो गया, इस बिजनेस के रिगार्डिंग ये हो गया। कभी कभी एक बिजनेस का तो बोर्ड मीटिंग का समरी भी आपको बनाना पड़ता है, यू नो व्हाट आई मीन राइट, समरी ऑफ बोर्ड मिनट्स, क्योंकि बोर्ड मीटिंग को अभी हुआ ही नहीं होगा छोटे कंपनी में, समझ रहे हो, आपको ही बनाना पड़ेगा समरी भी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो हमने मैटर्स लिखे ये सब हमने एंगेजमेंट टर्म से अग्री करने चाहिए। नीचे पॉइंट नंबर 4 में भी रिपीटेड है सेम चीज, एक बार रीड करके क्लोज कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी आपके इस पॉइंट में कवर कर लिया, इट्स अ रिपीटेड पॉइंट नंबर 4, मैटर्स दैट वुड बी इंक्लूडेड इन एंगेजमेंट लेटर, अ लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्मड ऑन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, मतलब क्या अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैं उसका लिस्ट आएगा, एंड हमें एक रिपोर्ट बना के देंगे, इस रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्पेसिफाइड लोगों से ही करना चाहिए, अलग अलग लोगों को नहीं करना चाहिए, ये बेटर इंक्लूडेड है इन पॉइंट्स में जो हमने अच्छे से समराइज किया है अभी तक। वापस से 4400, सबसे पहले व्हाट इज SRS,
सर इट्स अ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, जहां पर आप कोई ना कोई प्रोसीजर्स अग्री कर रहे हैं इधर विद द क्लाइंट और विद अ थर्ड पार्टी, वो प्रोसीजर लगाएंगे और आपके जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स रहेंगे प्रोसीजर लगाने के बाद जो फैक्ट्स आपको मिले, फाइंडिंग्स आपको मिले, वो रिपोर्ट बना के देंगे. यूजर विल ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन देयर ओन. दिस वॉज द मीनिंग. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एज इट इज एप्लीकेबल है. एंगेजमेंट टर्म्स प्रॉपरली अग्री करना पड़ेगा, उसमें बेयर मिनिमम कुछ चीजें आनी चाहिए, लिस्ट बना के दिया है. अगले पेज पे आइए. अगला स्टेप प्लानिंग, वेरी टफ, खुद से पढ़ लीजिए, एक ही लाइन है सर. अच्छे से प्लान करना ताकि बढ़िया से एंगेजमेंट हो. नेक्स्ट, प्रोसीजर एंड एविडेंस. कैसे आप प्रोसीजर लगा के एविडेंसेस को ऑप्टेन करेंगे? आपके याद है मेथड्स टू ऑप्टेन एविडेंसेस? वो अब ऑडिट करो, रिव्यू करो, मेथड तो मेथड रहने वाला है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. लुक एट द लिस्ट क्विकली. Inquiry, recomputation, observation, inspection, obtaining confirmation. Can I say general procedures हैं? फटाफट नोटबुक में एक लाइन लिखेंगे, क्लोज करेंगे. Examples of procedures which can be applied. Examples of procedures which can be applied to obtain sufficient and appropriate evidences. Which can be applied to obtain sufficient and appropriate evidences. लिस्ट बना दीजिए, कोई भी चार पांच पॉइंट, वॉट एवर यू लाइक. डन. नाउ द लास्ट पार्ट, रिपोर्टिंग. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फॉर अ गुड 4 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन रिपोर्टिंग. ऑनेस्टली दोनों स्टैंडर्ड्स में एंगेजमेंट टर्म्स रिपोर्टिंग दो ही चीज एग्जाम के लिए दिमाग लगाने लायक है. एमसीक्यू में ऑब्वियसली ऑडिट वर्सेस अग्रीड अपॉन क्या होता है, मेरे को फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे रिपोर्ट देना है, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है, छोटी मोटी चीजें एमसीक्यू में आ सकती है. 4 मार्क 5 मार्क के लिए रिपोर्ट, या दूसरा है क्या मैटर्स एंगेजमेंट टर्म्स में आने चाहिए. एक काम करते हैं, लेट मी शो यू रिपोर्ट फर्स्ट, फिर हम रिपोर्ट का फॉर्मेट इनके हिसाब से देखेंगे. देखिए, एग्जाम्पल ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग इन कनेक्शन विथ रिसीवेबल्स. देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या लिखता है, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन कनेक्शन विथ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. दिस इज रिलेटेड टू रिसीवेबल्स. देखो, टू दोज हु एंगेज, जिसने भी अपॉइंट किया होगा, इट कैन बी कंपनी और इट कैन बी अदर थर्ड पार्टीज ऑल्सो. देखो क्या बोलते हैं, वी हैव परफॉर्म द प्रोसीजर्स अग्रीड विथ यू एंड हमने नीचे डिटेल दिया है इन्यूमरेटेड बिलो विथ रेस्पेक्ट टू रिसीवेबल्स एज एट. हमने अकंपनिंग शेड्यूल्स ऑब्वियसली इसमें नहीं दिया है, मतलब डिटेल दिया है हमने क्या प्रोसीजर लगाया है. आवर एंगेजमेंट वॉज अंडरटेकन, फिर से रेफरेंस दिया है SRS 4400 का. द प्रोसीजर्स वर परफॉर्म सोलली टू असिस्ट यू इन इवेल्युएटिंग द वैलिडिटी ऑफ रिसीवेबल्स. और हम ऐसे समराइज करते हैं, हमने ये ऑप्टेन किया, हमने कंपेरिजन किया, हमने ये कंफर्मेशन लेटर ऑप्टेन किया. याद है जो जो प्रोसीजर लगाने के लिए अग्री किया था वो ही प्रोसीजर हमने अप्लाई एक्चुअली में किया है. वी शुड राइट इन द रिपोर्ट क्लियरली वॉट एवर अग्रीड, हैव वी परफॉर्म्ड दैट प्रोसीजर और नॉट. और अगर लगाया है तो कहना इसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, जो भी है वो फाइंडिंग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो भी मेरा फाइंडिंग है वो लिख दूंगा. ये अच्छा है, बुरा है, रिलाय करना है नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? यूजर डिसाइड करेगा. नीचे देखो, वी कंपेयर्ड सच स्टेटमेंट्स और कंफर्मेशंस टू द अमाउंट्स रेफर्ड फॉर द अमाउंट्स व्हिच डिड नॉट अग्री. हमने रिकंसिलिएशन भी ऑब्टेन किए, हमने रिकंसिलिएशन को आइडेंटिफाई करके उसके रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस, डेबिट नोट, चेक्स, सब कुछ चेक किए. वी लोकेटेड एंड एग्जामिन्ड सच इनवॉइसेस जो सब्सिक्वेंटली रेज किए गए थे एक डेट के बाद में, वो भी हमने चेक किया कि सब कुछ प्रॉपर रिकंसिलिएशन में इंक्लूडेड है कि नहीं है. क्या प्रोसीजर लगाया है वो लिखा हुआ है. हम रिपोर्ट करते हैं, आइटम नंबर 1 में हमको ये मिला, आइटम 2 में हमको ये मिला, आइटम 3 में ये, 4 में ये हमारा आउटकम था.
देखो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द अबव प्रोसीजर्स डू नॉट कंस्टिट्यूट ईदर एन ऑडिट और अ रिव्यू, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी अश्योरेंस ऑन द रिसीवेबल्स। दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने परफॉर्म किए होते एडिशनल प्रोसीजर या हमने परफॉर्म किया था ऑडिट या रिव्यू, तो शायद अदर मैटर्स भी हमें मिलता जो हम आपको रिपोर्ट करते थे। कहना ऐसे दोनों पैराग्राफ में क्लियरली बोल रहा है, आपने जो बोला वो प्रोसीजर लगाया उसका ये आउटकम है। हमने ऑडिट नहीं किया है, रिव्यू नहीं किया है, अगर वो किया होता तो शायद आउटकम अलग आता। आवर रिपोर्ट किसके लिए है? इज सोलली फॉर द पर्पस जो ओरिजिनली बोला था, हम रिसीवेबल का वैलिडिटी चेक करके आपके लिए रिपोर्ट बना रहे, आप मतलब जो भी एक्स वाई जेड आता है सर। क्लियरली इट इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस सर। दिस डज नॉट एक्सटेंड टू एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ये सिर्फ एक पार्ट पे हमारा रिपोर्ट है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट आपको अलग से देखना पड़ेगा। दिस इज माई वर्क ओनली एंड ओनली ऑन रिसीवेबल्स, जो हमने अग्री किया वो परफॉर्म किया उसका ये आउटकम है, ये ऑडिट रिव्यू नहीं है, इसमें कोई अश्योरेंस नहीं दिया गया है। एकदम सिंपल है कि नहीं है? सेम चीज अभी यहां आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो आएगा टाइटल। टाइटल क्या आएगा? इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन रिसीवेबल्स व्हिच इज अग्रीड अपॉन बाय द ऑडिटर। बराबर है कि नहीं है? नेक्स्ट देखो एड्रेसी, जिसने भी हमको अपॉइंट किया होगा उसको ये रिपोर्ट एड्रेस किया जाएगा। नंबर थ्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और जिस भी एरिया को चेक करना है वो एरिया तो लिखना पड़ेगा ना, ये रिसीवेबल के लिए था, इन्वेंटरी के लिए था, व्हाट एवर एरिया इज दिस, वो रेफरेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अ स्टेटमेंट दैट हमने वही प्रोसीजर लगाए थे जो हमने क्या किए थे, अग्री किए थे। अ स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट वॉज परफॉर्म्ड एज पर SRS। सब कुछ है कि नहीं लॉजिकली एकदम? नेक्स्ट देखिए, हमारा इस पूरे चीजों का पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था ये देखना कि सर कि रिसीवेबल्स वैलिड है कि नहीं है। देखिए, द प्रोसीजर्स वर परफॉर्म्ड, क्यों परफॉर्म किए थे? टू असिस्ट यू इन इवेल्युएटिंग द वैलिडिटी। पर्पस है ये आपका, मतलब हर एक चीज को उसने क्या लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, सर हमने क्या प्रोसीजर लगाए उसका लिस्ट दीजिए, हमारे फाइंडिंग्स क्या है उसका डिटेल्स दीजिए, आइडियली स्टेटमेंट दीजिए कि सर इसमें कोई ऑडिट या रिव्यू नहीं हुआ है। अगर हमने एडिशनल प्रोसीजर लगाया होता तो हमें एडिशनल मैटर भी मिलते जो हम आपको रिपोर्ट करते थे। एंड सर ये किसके लिए बनाया गया है? इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर स्पेसिफिक पार्टीज, इसके अलावा किसी और को आपने ये रिपोर्ट नहीं देना चाहिए यूज करने के लिए। हर एक स्टेटमेंट लॉजिकल लग रहा है क्या? ये याद नहीं करना है, अगर आपने ढंग से रीड किया, एक एग्जाम्पल सामने रखा, इसके ऊपर 5 पॉइंट अगर लिखना हुआ एग्जाम में, यू शुड बी एबल टू राइट, मतलब एट अ फाइनल लेवल। इसीलिए ऐसी चीज एक बार समझ लेना कौन से स्टैंडर्ड में है, एक्चुअल रिपोर्ट कैसा दिखता है। वंस यू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड, रिपोर्ट का कंटेंट विल बिकम केक वॉक, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। अरे आधे पॉइंट तो सेम ही होते हैं, टाइटल एड्रेस में कुछ बदलने वाला नहीं है। ऑब्वियसली ये रिपोर्ट किसके लिए है वो आएगा ही आएगा, रिपोर्ट के अंदर हमने क्या प्रोसीजर लगाया वो आएगा, आउटकम क्या है वो आएगा। ये ऑडिट रिव्यू नहीं है, बार बार बोल रहे तो लिखना ही पड़ेगा आइडियली। ये ऑडिट हम ये हमने काम किया है एज पर SRS 4400, वो रेफरेंस देना पड़ेगा। 5 पॉइंट ऐसे हो जाएगा, लास्ट में आपका आने वाला है सिग्नेचर डेट प्लेस, वो सब टाइम पास चीज है। डन, डॉक्यूमेंटेशन इज टाइम पास, जो जो किया है डॉक्यूमेंट कर लेगा तुम्हारे सबसे। SRS 4400, 2 मिनट स्पेंड करो, स्टार्ट से लेकर तक वर्ड बाय वर्ड देख लो, मेरे हिसाब से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नोटबुक में जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये आपका ऑब्वियसली होमवर्क रहेगा, या जिस दिन भी रिवीजन करेंगे जिंदगी में कभी अगर करेंगे तो तब आपके लिए ये होमवर्क कम में आएगा। राइट डाउन द लास्ट पॉइंट, द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स शुड कंटेन द फॉलोइंग, the report of factual findings should contain the following। थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए पेज नंबर 9.6। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको 5 बार घर पे होमवर्क में लिखने दिया, ऐसे कुछ आउटकम आएगा नहीं, तुम फाइनल में आ गए, तुम एक बार जिंदगी में कभी लिख लो वो भी काफी है, 5 बार एक साथ में लिख के, ये तुम्हारे साथ फाउंडेशन इंटर में कभी हुआ होगा अब कोई फायदा नहीं है, तुमको मालूम है उसका।
एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे जाएंगे, वो भी इतना ही सिंपल है, 4410। SRS, SAEs, SREs आर वेरी लॉजिकल। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, क्योंकि उसको पूरा ऑडिट भी लिखना है, हाउ इट इज डिफरेंट वो भी समझाना है, रिपोर्टिंग के अंदर आपको नॉर्मल एसेज और एसेज में डिफरेंस कहेंगे वो भी समझना है, तो दे आर मोर इन डिटेल आइडियली, वहां थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, दे आर वेरी सिमलेस, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं, एक बार एंगेजमेंट समझा तो रिपोर्ट भी उसके हिसाब से रहेगा, टर्म्स भी उसके हिसाब से रहेंगे, और एक बार अगर आपने एंगेजमेंट लेटर और रिपोर्ट देख लिया तो आपका काम हो गया आइडियली। डन, 2 मिनट रिवाइज कर लो, 4410 पे जाएंगे फिर। चलो बढ़े आगे, 4410, लेट्स स्टार्ट विद 4410। दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब अगर आप कंपाइलेशन पूछेंगे ना, एक किसके बारे में बात कर रहा है, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर ना ऐसा मान के चलिए अकाउंटिंग रिलेटेड कंसल्टेंसी आपको कंपनी को प्रोवाइड करना है। ये 4410 पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा ही कि हम एक्चुअली कुछ काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी पता क्या बोलेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट, बराबर है, क्राइटेरिया भी वो डिसाइड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका है, तो तू कर क्या रहा है, दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बट 4410 इज बेसिकली एक सिंपल एग्जाम्पल, कंपनीज विच हैव टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एज फॉर द फर्स्ट टाइम definitely need a help of certain chartered accountants, so there are a lot of consulting firms or CA firms specifically, उसके अंदर कुछ partners जिनके पास IFRS plus Ind AS conversion का अच्छा knowledge था, उनका help लिया to prepare and present financial statements, ताकि उनके statutory auditor कम से कम परेशान करें। Standard practice होता है, तुमको एक तरीका बोलता हूँ, I'm sure तुम धंधे में, तुमको already मालूम रहेगा, अगर PW मेरा auditor है, समझ लो मेरा, मेरे को मालूम होगा कि परेशान करने वाला है, PW डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं देगा, बट तुम समझ जाओगे कि अगर इससे मैंने काम करवाया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो PW सबसे कम परेशान करेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्लासिक एग्जाम्पल, आई विल नॉट गिव यू द नेम्स, बट इफ आई, लेट्स से आई, एग्जाम्पल है, मैं नहीं हूं ऑब्वियसली, ABC वर्क इन PWC, बिकेम अ मैनेजर, एंड आई रियलाइज PWC का बहुत सारा क्लाइंट है जिनको एक्चुअली अकाउंटिंग एंड ऑडिटर को हैंडल करने के लिए सर्विसेज चाहिए। तो मैंने क्या किया, इधर से बाहर निकला, एक फॉर्म बनाया, इस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि PWC के जो सारे स्टैट्यूटरी ऑडिट एंगेजमेंट्स वाले क्लाइंट हैं, समझ रहे हो मेरा बात, वो पूरे मेरे पास में आ जाए। बढ़िया धंधा है, बहुत अच्छा पैसा भी है, और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर हैंडल करना मैंने सिखा दिया, 5 साल 10 साल तक फॉर्म भी सेम रहने वाला है, समझ रहे हो मेरा बात, रोटेशन उसके लिए चलो एप्लीकेबल हो जाएगा, 5-10 साल में मेरी रेपुटेशन ऐसी हो जाएगी कि मैं तो रोटेट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कंसल्टेंट है, यूर अंडरस्टैंडिंग में, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 5 साल 10 साल का PWC की जगह EY आए या KPMG आए, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, मैंने एक ऑडिट फर्म को पूना के अंदर 50 लोगों से, मतलब 2014, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब इतना सा ऑफिस था लिटरली, ये जो बीच वाला ऑफिस है ना, ये दिस पार्ट वॉज द ऑफिस, हार्डली 7 से 8 लोग थे टोटल फर्म के अंदर। एक एंगेजमेंट के लिए आए, इवन वाइल स्टार्टेड टीचिंग आई वॉज नॉट कंटिन्यूइंग विद एनी फर्म, बट उनको एक एंगेजमेंट में असिस्ट करने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग में भी काम किया था, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द फर्म, दिस फर्म टूडे हैज 300 पीपल, डू यू गेट माई पॉइंट, हैज अ एंटायर बिल्डिंग ऑफ इट्स ओन विच इवन PWC डजंट हैव, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ग्रोइंग क्रेजी, बढ़िया धंधा कर रहा है। अब
थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाई हो गया है बिजनेस, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब आपका सडनली एक कोर फोकस ज्यादा शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नाम नहीं दे सकता हूँ, गलत हो जाएगा आइडियली, बट तुमको नाम मिल जाएगा इजीली। तुम अगर जनरल रिसर्च भी करोगे, पूना बेस्ड फॉर्म है, जितना अच्छा अग्रेसिव ग्रो किया है 10 साल से भी कम में। आई हैव नॉट सीन अ फर्म ग्रोइंग इन लेस देन 10 ईयर्स इन पुणे। व्हाई द रीजन इज पुणे में एफडीआई का फ्लो नहीं है। इफ दिस इज बैंगलोर द स्टोरी इज डिफरेंट, बिकॉज इन बैंगलोर देर इज मोर मनी फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। तो मेरे पास में भर भर के पैसा आ रहा है, तो अगर मेरे को अकाउंटिंग या रिक्रूटमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, पैसा मिल रहा है, एक्सेप्टेबल है। बैंगलोर में एक्सेप्टेबल है, बॉम्बे में सारे लिस्टेड कंपनी का हेड ऑफिस है उधर एक्सेप्टेबल है, पूना में दोनों नहीं होकर के भी काम बढ़ा कर लेना मुश्किल चीज है आइडियली। अब ऑब्वियसली उन्होंने अपना दुबई में भी ऑफिस खोला, सोचते हुए कि दुबई के अंदर तुम्हारा वैट आया था, दुबई में वैट आया था ना, मतलब जो ऑब्वियसली इंडिया में तो खत्म हो चुका था, बट दुबई के अंदर वैट इंक्लूड किया गया। बट ऑब्वियसली दुबई ऑनेस्टली एज अ स्मॉल कंट्री सो डेवलप्ड दैट उन्होंने ऑटोमेटेड प्रोसेसेस बना दिए, तो वैट का रेलेवेंस टेक्निकली खत्म ही हो गया। मतलब जो हमारे इधर वैट के टाइम पे रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वहां जरूरत नहीं है। उन्होंने उल्टा इंक्लूसिव वाला मेथड लगा के खत्म कर दिया। जो भी प्राइस है वो वैट इंक्लूसिव है, रिवर्स कैलकुलेशन करो, जो अमाउंट है पे कर दो, बात खत्म। सॉफ्टवेयर से ऐसे बनाए कि एक ही है, बाइफरकेशन में कॉम्प्लिकेशन बनाया नहीं, स्टेट बाय स्टेट की लड़ाई रखी नहीं जिंदगी के अंदर, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ रहे मेरे बात? इट मेड इट वेरी सिंपल फॉर देम दैट व्हेन टैक्स एलिमेंट केम आल्सो इट बिकेम वेरी इजी, बट द अप्रोच इज वहां पे अभी वैट आया है, अब आया कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स आया है अभी, अब आएगा इंडिविजुअल्स पर टैक्स। बेसिकली वहां पर अकाउंटिंग की दुनिया चालू ही नहीं हुआ ना, उधर अकाउंटिंग बॉडी ही नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीपीओ, एसीसीओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तुम अकाउंटेंट हो। You're understanding my point. Whether whatever country you belong to, whatever qualification you have an accounting knowledge that is important ideally. So, ऐसे firms obviously बहुत grow करते हैं. 4410 is one such engagement that is called as compilation engagement. यहाँ पे पहली बार वो बोलेगा, आप अपना accounting expertise यूज करने वाले हो टू हेल्प अ कंपनी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। सिंपल सा बात है, कंपनी को एक एफआरएफ फॉलो करना है, ये एप्लीकेबल एफआरएफ रहेगा, चाहे वो जनरल पर्पज हो या स्पेशल पर्पज हो, क्या फर्क पड़ता है, एफआरएफ एफआरएफ है, बराबर है कि नहीं? व्हाट इज एफआरएफ? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल एफआरएफ टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनको इसके रिगार्डिंग आपका हेल्प चाहिए। इफ यू हेल्प देम इन यू नो टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सपर्टीज, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर से बनाया जाए, या अलग अलग सोर्सेस से डेटा है उसको साथ में लाके कंपाइल किया जाए, वो सब कुछ 4410 में कवर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मस्त स्टैंडर्ड है, सिंपल है, वैसा ही अप्रोच में जाएगा पूरा का पूरा, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड, आ जाइए इन योर मॉड्यूल्स 9.8। 4410 क्या बोलता है? इट डील्स विथ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एंगेज किया जा रहा है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। इस बार किसके लिए असिस्टेंस है? क्लियरली बोला है, इन प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम कोई अश्योरेंस नहीं देने वाले हैं, रिमेंबर ये ऑडिट नहीं करने वाले हैं, इस बार हम मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे। देखिए, इट अप्लाइज टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड बाद में इन्होंने एक लाइन ऐड किया, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ट्रांजैक्शंस जो हो चुके हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जनरली कंपाइलेशन उसका होता है, बट कैन इट ऑल्सो बी अबाउट नॉन हिस्टोरिकल, मतलब जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बनाने में भी हेल्प करना है, तो भी 4410 में कवर किया जाएगा। थोड़ा आपको टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा, कंपाइलेशन ऑफ हिस्टोरिकल और योर प्रोस्पेक्टिव दोनों इधर कवर होगा। इवन नॉन फाइनेंशियल डेटा हुआ उसको भी कंपाइल करने में हेल्प करना है, मतलब कहना है इसे 4410 का स्कोप भी बड़ा कर दिया। पहले 4410 मतलब नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करेंगे, अब सर बजट्स बनाने में भी हेल्प करेंगे, अदर रिपोर्ट्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपाइलेशन किसका होना चाहिए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होना चाहिए। अगला लाइन देखिए, कंपाइलेशन फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल, बाजू में लिखिए प्रोस्पेक्टिव, इट कैन बी माई बजटेड और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
अदर देन हिस्टोरिकल मतलब प्रोस्पेक्टिव ही होगा ना यार। देखो हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, बजटेड या प्रोस्पेक्टिव मतलब जो ट्रांजेक्शन हुए नहीं है पर आपको लगता है ऐसे होने वाले हैं। तो बजट्स बनाने में भी मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी के मैनेजमेंट का हेल्प कर सकता हूं, या मैं कंपाइलेशन कर रहा हूं नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, सिर्फ इन्वेंट्री के डेटा का, जहां पे इन्वेंट्री के अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, उनका क्वांटिटी, उनका कंडीशन कैसा है, इसके रिगार्डिंग डेटा कंपाइल करने में हेल्प कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन सिंपल टर्म्स इट कैन बी एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग हेल्प, जहां पर पुराना ट्रांजैक्शन जो हो चुका है उसका कंपाइलेशन होगा, बजटेड नंबर्स होगा। एंड अब इन्होंने बोला इट डजंट हैव टू बी एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, इट कैन बी अ नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑल्सो, मतलब एनी टाइप ऑफ कंसल्टिंग टू द मैनेजमेंट, जिससे वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाए, बजट्स बना पाए, या अपने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना पाए, कुछ भी काम रिलेटेड अगर आपको लगता है डेटा है, रिपोर्ट बनाने में आपको वो हेल्प करेगा। रिपोर्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट जिसको आगे जाकर के या तो ऑडिट किया जाएगा, कोई और रिव्यू करेगा, या कोई उसको यूज करेगा। समवन एल्स इज गोइंग टू ऑडिट एंड रिव्यू, आई एम गोइंग टू हेल्प द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर दिस। तो हमारे लिए एंगेजमेंट का कौन सा हो जाएगा, 4410। नोटबुक में जाइए कि वह नेक्स्ट हेडिंग SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, अंडर दैट पॉइंट नंबर 1 SRS 4410 इज रेलेवेंट, SRS 4410 इज रेलेवेंट व्हेन अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज किया है, अब यहां पे ऑडिटर वर्ड बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये ऑडिट रिव्यू वगैरह है ही नहीं, वर्ड इज प्रैक्टिशनर, ध्यान रखना। व्हेन अ प्रैक्टिशनर इज एंगेज्ड, व्हेन अ प्रैक्टिशनर इज एंगेज्ड टू असिस्ट द मैनेजमेंट, व्हेन अ प्रैक्टिशनर इज एंगेज्ड टू असिस्ट द मैनेजमेंट with preparation and presentation of, with preparation and presentation of historical financial information, preparation and presentation of historical financial information, number 2 SRS 4410 also applies, SRS 4410 also applies for compilation of financial information, for compilation of financial information other than historical, that is even prospective financial information, even prospective financial information can be used, मतलब बजटेड डेटा बनाने के लिए भी प्रैक्टिशनर का हेल्प लिया जा सकता है। जब वो हेल्प लिया जाएगा तो एंगेजमेंट SRS ही रहेगा, 4410 पहले सिर्फ हिस्टोरिकल था, अब अदर देन हिस्टोरिकल मतलब इट कैन बी प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। नंबर 3 SRS 4410 कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट फॉर कंपाइलेशन,
मतलब है डेटा का कंपाइलेशन ही, बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही हमेशा इन्वॉल्व हो ये भी जरूरी नहीं है। इवन ये जो तीनों पॉइंट जानबूझ के लिखा है एमसीक्यू में, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही कंपाइलेशन होगा, हिस्टोरिकल का ही होगा। नहीं भाई, प्रोस्पेक्टिव भी अलाउड है, नॉन फाइनेंशियल भी अलाउड है। 4410 में क्लियरली बोला है आप अडेप्ट कर लो इस एसआरएस को, नए स्टैंडर्ड नहीं बनाते जाएंगे हर चीज के ऊपर, जनरल एसआरएस ही काम में आ जाए। पहले बनाया था हिस्टोरिकल के लिए, अब आप अदर सिचुएशन के लिए भी इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। लॉजिकल लगता है ये चीज, एकदम बराबर है। नीचे आइए सर, व्हाट इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जरा देखिए जो आपको एक्सप्लेन किया, सेम चीज रिपीटेड है, काफी डिटेल में लिखा है, एक बार रीड करके क्लोज करेंगे। इतना ग्रेट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए जो पता होने चाहिए। देखिए कंपाइलेशन में क्या होगा, प्रैक्टिशनर अच्छे से रीड कीजिएगा, विल अप्लाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज, जिससे वो किसको असिस्ट करेगा, मैनेजमेंट को, ताकि वो क्या कर पाएंगे, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर पाएंगे। क्या चीज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। नंबर वन, लॉजिकल लगता है एकदम, आई एम गोइंग टू यूज माय अकाउंटिंग एक्सपर्टीज और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज, ताकि मैं मैनेजमेंट को हेल्प कर पाऊं, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर वन लॉजिकल है। नंबर टू, मैनेजमेंट विल रिक्वेस्ट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इंडिया में कौन हो गया, सीए इन प्रैक्टिस, टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन। ओके, नंबर थ्री मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एन अश्योर, मतलब ध्यान रखना इधर क्लियर है मुझे मैनेजमेंट को हेल्प करना है टू प्रिपेयर, मैंने उसे ऑडिट नहीं करना है। मैनेजमेंट ने मुझे कुछ डेटा दिया, मैंने जनरली देखना चाहिए वो डेटा बराबर है कंपाइलेशन करते वक्त, मैंने उसके ऊपर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, इट इज नॉट ऑडिट नॉर रिव्यू, आई एम नॉट गिविंग एनी अश्योरेंस। ध्यान रखना अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एन, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर कि मैं वेरीफाई करूं एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को, जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दे रहा है, बराबर है, क्योंकि मैं कोई भी ओपिनियन या रिव्यू नहीं देने वाला हूं। नोटबुक में जाइए, कितने पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट हो गए, बराबर है। नंबर फोर, अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, देयरफॉर A compilation engagement is not an assurance engagement. Therefore, practitioner is not required. Therefore, practitioner is not required to verify. Practitioner is not required to verify accuracy or completeness. Accuracy or completeness of information provided by management, of information provided by management. वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं बस लॉजिकल क्वेश्चन पूछ करके कंटिन्यू कर सकता हूं, उसका एक्यूरेसी कंप्लीटनेस डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट नंबर फोर या फाइव, जो भी पॉइंट है तुम्हारा, क्लियर है तुमको। अब देखिए 9.8 एग्जाम्पल दे रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अ कंपाइलेशन कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेस। या तो सर कोई मैंडेटरी एफआरएफ रहेगा जो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, सिंपल है, हर साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसको बनाने के लिए मैंने हेल्प लिया, क्या अभी भी एसआरएस 4410 आएगा? हाँ। अब सर कोई स्पेसिफिक तुमको लॉ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसके लिए तो ऑब्वियसली 4410 आएगा ही। अब सर कोई लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लेट्स से हमारे इंटरनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का है, या सर कोई बैंकर के लिए हमको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने का है, इस बार मैं चेक नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर रहा हूं, किसका, मैनेजमेंट का, कैन आई से आई एम एक्टिंग एज अकाउंटेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी। देखिए नीचे, या तो सर एज पर लॉ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत होती है, या सर देयर कैन बी पर्पसेस नॉट रिलेटेड टू मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब ये कोई एज पर लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अपने इंटरनल यूज के लिए बना सकते हैं, या सर हमारी कुछ एक्सटर्नल पार्टीज होगी लाइक बैंकिंग कंपनीज,
अब उनको डेटा देना है जिन्होंने फंड दिया होगा हमको, उन्हें कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब उनका फंड कंटिन्यू रख पाए, उनको रिपोर्ट बना के देना होगा। जैसे स्टार्टअप्स के केस में होता है, सिकोया विकोया ने अगर पैसा डाल दिया, वो बोलता है क्वार्टरली बेसिस पे हमको नंबर्स प्रिपेयर करके इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करो ताकि आपका फंडिंग कंटिन्यू रहेगा। मतलब स्टार्टअप्स के केस में भी ये रेलेवेंट हो सकता है, या गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में भी रेलेवेंट हो सकता है, या बैंक से पैसा लिया होगा तब भी रेलेवेंट हो सकता है। वो बोलता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऐसे बना करके कंपाइल करके डेटा हमें प्रोवाइड करो ताकि हम समझेंगे आप उस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जैसा हमने सोचा था। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआर हो या कोई स्पेशल पर्पज हो, क्या फर्क पड़ता है? ये एग्जाम्पल किसके हैं? स्पेशल पर्पज के। नीचे देखिए, फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पजेस, आपको कोई मर्जर एक्विजिशन करना होगा, इसके लिए नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा, किसी भी पर्पस के लिए कंपाइलेशन हो सकता है। नोटबुक में जाइए, अगला पॉइंट लिखिए, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच कंपाइलेशन कैन बी डन। कंपाइलेशन के पीछे अलग अलग पर्पस क्या हो सकता है? नंबर ए, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर लॉ, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर लॉ, क्योंकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नंबर बी, अदर पर्पसेस सच एज entities internal use, other purposes such as entities internal use, comma reporting to external parties, that is funding body or requirement for a transactional purpose, requirement for transactional purpose, that is mergers or acquisitions. इनमें से किसी भी पर्पस के लिए कंपाइलेशन हो सकता है। अब सर जिस भी पर्पस के लिए कंपाइलेशन रहेगा, जो एप्लीकेबल एफ आर एफ है, इसके हिसाब से मैंने उनको कंपाइलेशन करने में हेल्प करना चाहिए और लास्ट में एक रिपोर्ट बना के दे देना चाहिए कि भाई जैसा हमने आपसे अग्री किया था वैसा हमने आपको कंपाइलेशन करने में हेल्प किया है और ये हमारा रिपोर्ट है। देखिए अगले पेज पे, इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस 4410, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज लगाएं जिससे मैनेजमेंट अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बढ़िया से बना पाए और हम अकॉर्डिंगली क्या दे पाए, रिपोर्ट दे पाए। मतलब सर ऑब्जेक्टिव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो ऊपर पढ़ाया उसका ही समरी है। क्या आपको 4410 का एक इंट्रोडक्शन समझा क्या कि 4410 इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज देने वाला है, किसको? मैनेजमेंट को। सर या तो उनको मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, इसमें हेल्प करेगा, या किसी और पर्पस के लिए रिपोर्ट्स बनाने होंगे उसमें हेल्प करेगा। सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा आएगा? नहीं, इट कैन बी अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन होगा? नो, इट कैन बी अदर देन नॉन, मतलब इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, एनीथिंग कैन बी कवर्ड। क्या आपको इंट्रोडक्शन टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट समझा क्या? 100%। अगले पेज पे आइए, कुछ नहीं, अब हमको सेम एथिकल रिक्वायरमेंट्स एज इट इज आने वाली है, एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस। एक बार से हेडिंग देखिए, डज इट साउंड लाइक अ प्रॉपर ऑडिट? पहले हमारा स्कोप क्या है, एंगेजमेंट टर्म्स में एग्री करेंगे, हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। याद है हर एंगेजमेंट के स्टार्ट से पहले ए एंड सी एनालिसिस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस वो आएगा, फिर सर हम एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में आएगा हमारा रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन विद TCWG इन मैनेजमेंट एंड देन द रिपोर्टिंग पार्ट। बराबर है? एक आपको फॉर्मेट दिखाऊं रिपोर्ट का ताकि आपको थोड़ा सा एंगेजमेंट लेटर कैसा दिखता है, रिपोर्ट कैसा दिखता है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कल उसको हम डिटेल में डिस्कस करके क्लोज भी कर देंगे। लेट मी शो यू द फॉर्मेट ऑफ एंगेजमेंट लेटर एंड द रिपोर्ट। 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट,
देखो, एंगेजमेंट लेटर फॉर अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू द मैनेजमेंट, यू हैव रिक्वेस्टेड दैट वी प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस, वी विल असिस्ट यू इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट आएगा, पीएनएल आएगा. दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी नोट्स अदर देन डिस्क्राइबिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, द पर्पस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी यूज इज टू प्रोवाइड फुल ईयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मतलब ईयर एंडिंग का जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाने का इनका पर्पस है. लॉजिकल है. देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी सोलिडली फॉर योर यूज एंड विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्टीज. हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? हम लोग हमारा एक्सपर्टीज लगाएंगे किसके ऊपर? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिलेटेड एक्सपर्टीज टू असिस्ट यू इन प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. सिंस कंपाइलेशन इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप हमको देने वाले हैं. बराबर है कि नहीं? जो नॉर्मली हमको ऑडिट के दौरान या रिव्यू के दौरान करना होता है वो हमको यहां करने की जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंगली वी विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, वी विल नॉट गिव यू अ कंक्लूजन, एंड सर हम ये बताएंगे ही नहीं वेदर दे आर प्रिपेयर्ड प्रॉपरली और नॉट, क्योंकि मैं खुद का काम खुद कैसे चेक करेगा. वी विल परफॉर्म कंपाइलेशन एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विथ SRS, कौन कौन सा? 4410. इसके लिए जो ICAI का कोड ऑफ एथिक्स है वो हमने क्या करना चाहिए? कंप्लाई करना चाहिए. कैन आई से लॉजिकल लग रहा है? जैसे नॉर्मल एंगेजमेंट लेटर में क्या सर्विस देने वाले हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्लियरली ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होगी. यहां पे सिर्फ हम आपको असिस्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीज हम नहीं करने वाले हैं, इसका पर्पस क्या है, क्लियरली स्पेसिफाई करने का. अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो लास्ट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. द कंपाइलेशन टू बी कंडक्टेड On the basis of that, you acknowledge and understand that हमारा काम सिर्फ आपको assist करना है. Ultimately, आपकी overall responsibility रहेगी for compilation. मतलब मैं assist करूंगा. Overall financial statement बनाने का काम तुम्हारा है. कौन सा फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है वो काम तुम्हारा है. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या सेलेक्ट करना है वो सब काम तुम्हारा है. अल्टीमेटली तुम हमको अपने मेजर ऑब्जेक्टिव बना के दोगे, हम आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे. देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रेपरेशन प्रेजेंटेशन एज पर एप्लीकेबल FRF आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छे कंट्रोल को लगाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सर, इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली हमको प्रोवाइड करना, हम ये चेक नहीं करेंगे, ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुमने मुझे एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए. तुमने नहीं दिया तो गलती तुम्हारी है, मेरी कोई गलती नहीं है. नेक्स्ट देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जजमेंट. जहां पर भी एस्टिमेशन आएगा, जजमेंट आएगा रिगार्डिंग क्या पॉलिसी सेलेक्ट करें, कैसे एस्टिमेशन बनाएं, वो अल्टीमेटली कौन प्रोवाइड करने वाला है? आप प्रोवाइड करने वाले हैं. इन सब चीजों के रिगार्डिंग किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी है. मतलब एंगेजमेंट लेटर में क्लियरली हम क्या करेंगे, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके. मैं क्यों आपको ये दिखा रहा हूं? इससे जब कल बचाव पार्ट पढ़ोगे आपको लैंग्वेज पूरा लॉजिकल लगेगा. बिकॉज पूरे स्टैंडर्ड में दो ही चीजें हैं, एंगेजमेंट टर्म्स में क्या आएगा एंड रिपोर्ट में क्या आएगा. उतना समझा तो स्टैंडर्ड अपने आप, ये स्टैंडर्ड को समझने का बेस्ट तरीका होता है एक्चुअली में. आगे देखिए हमारा रिपोर्ट. सर, एज पार्ट ऑफ आर एंगेजमेंट वी विल इशू अ रिपोर्ट कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे कंपाइल किया है. हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हम बताएंगे हमने काम एज पर कंपाइलेशन एंगेजमेंट किया है. द रिपोर्ट विल ऑल्सो नोट कि इसका यूज सिर्फ आप अपने पर्पस के लिए करने वाले हैं, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किसी और को नहीं कर सकते हैं. सर, हम अल्टीमेटली ये लेटर को साइन हम भी करके देंगे, आपको बोलते हैं आप भी लेटर को साइन करके दीजिए ताकि एंगेजमेंट टर्म्स क्या हो जाएंगे, अग्री हो जाएंगे. एंड जब ये अग्री हो जाएगा और काम खत्म होने के बाद में आपका आएगा एक रिपोर्ट. This is how the report will look like. छोटा सा रिपोर्ट है, दो मिनट में पढ़ लो. देखो हेडिंग क्या है, अकाउंटेंट्स कंपाइलेशन रिपोर्ट. हमने क्या किया है, कंपाइल किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आती है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड समरी. वी परफॉर्म दिस एंगेजमेंट एज पर 4410. हमने क्या अप्लाई किया है? वी हैव अप्लाइड आवर एक्सपर्टीज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिससे हमने आपको असिस्ट किया है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. हमने सर सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है. सर, हमने दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस यूज्ड देम टू कंपाइल इज हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स. तुमने इंफॉर्मेशन दिया है, हमने उसका एक्यूरेसी कंप्लीटनेस चेक नहीं किया है. सिंस अ कंपाइलेशन is not an assurance engagement, since compilation is not an
अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसीलिए हमने ना तो वेरीफाई किया है एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस को जो आपने प्रोवाइड किया है, ना ही हम कोई ऑडिट या रिव्यू का ओपिनियन दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे, ये चीज लेटर में भी था, ये चीज रिपोर्ट में भी है, खत्म हो गया, एकदम सिंपल है। मतलब कुछ अलग नहीं, आई शुड नो वॉट इज डिफरेंट इन दिस स्टैंडर्ड, उतना इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट लेटर रिपोर्ट में कुछ आपको क्रेजी नहीं मिलने वाला है, वंस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट जो मैं यहां करने के लिए। हाँ, 4400 में मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प नहीं कर रहा हूं, वहां पे कोई चीज को चेक करने में हेल्प कर रहा हूं। इसीलिए 4400 में ऑडिट 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 आ रहा था कि आप ओपिनियन मत दो, पर आप कर ऑडिट नेचर का प्रोसीजर रहे हो। याद करो, 4400 में बोला था ऐसे प्रोसीजर अग्री करो जो कौन से नेचर के, ऑडिट नेचर के। इधर ऑडिट ही नहीं है, इधर आप अकाउंटिंग एक्सपर्टीज यूज करके उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रहे हो। मतलब एसआरएस में भी दो ब्रॉडर कैटेगरी है, एक जहां पे ऑडिटिंग में थोड़ा एग्जामिनेशन होगा पर ओपिनियन नहीं आएगा, सिर्फ जो मिलता है उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। यहां पर तो आप अकाउंटिंग करने में हेल्प कर रहे हो इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कौन सा है? SRS 4410। क्या आपको ब्रॉडर डिफरेंस और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आया है क्या? कल एक आधा घंटा लगेगा हमको रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स, एंगेजमेंट टर्म्स में क्या अग्री होता है, जो आपने पढ़ा है वही चीज लिखा होगा। विल स्पेंड हाफ एन आवर एंड वी शुड बी एबल टू फिनिश दैट। अभी कंफर्टेबल गाइस? पक्का? कल एसआरएस भी खत्म हो जाएगा, हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। अब ये चैप्टर बहुत ईजी है, एसआरई में जरूर टाइम लगेगा पर बहुत सारे चैप्टर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।